हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है वापस से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई सीरीज को। थैंक यू वेरी मच दिग्विजय जिसने जो है वापस से मेंबरशिप ज्वाइन की। और हाँ, थैंक यू वेरी मच यस मार्टीपाई जिसने जो है मेरे दोनों चैनल की मेंबरशिप खरीदे, थैंक यू वेरी मच। और चलो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो है हमें एक कंपनी दिखाई जाती है और हमें देखने को मिलता है कि एमसी और इसके फ्रेंड को जो है वो फायर कर देते हैं इस जॉब से। और ये फिर बताते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा, कल जो है हम बिजनेस के लिए लड़ रहे थे लोगों से लेकिन अब तुम बता रहे हो कि हमें ही हमारी कंपनी से निकाल रही हो तुम। और ये फिर बताते हैं कि इसे जो है अप्रूव कर दिया है मिस जियाओ ने खुद ही, तो इसलिए कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो है चले जाते हैं मिस से मिलने के लिए। ये फिर बताते हैं कि हम उससे खुद ही बात कर रहे हैं कंपनी के सीईओ से और उससे हम डिस्कस करेंगे और हम उसे बताएंगे कि वो जो हमें इतनी आसानी से भूली नहीं कर सकती है। और ये लड़की भी फिर बताती कि नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वो अभी भी मीटिंग के अंदर है। और जब एमसी जो है अंदर आ जाता है और ये जैसे अंदर आ जाते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट बैठे होते हैं और ये लड़की होती है इसका नाम जियाओ होता है और ये जो है जनरल मैनेजर होती है मार्शल आर्ट सेंटर की। और ये फिर बता रही होती है कि क्या शोर मचा रहे हो तुम, देख नहीं सकते हो मेरी जो है मीटिंग चल रही है सीनियर कोचेस के साथ और तुम्हें जो है मैंने निकाल दिया, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर एमसी बताते कि इसलिए तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, हम पूछना चाहते हैं हमने जो है वायलेट नहीं किए कोई भी कंपनी के रूल्स को, तो हमें क्यों निकाल रहे हो। और अगर तुम जो हमें काम से निकाल रहे हो तो तुम्हें जो एटलीस्ट हमें पैसे दे देने चाहिए जितने दिनों के लिए हमने यहाँ पर काम किया था। और मोटा भी बताते कि भाई आराम से यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं। और ये लड़की फिर बताती कि मैंने बोल दिया तो तुम जो है काम से निकल चुके हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम निकल चुके हो और तुम लोग क्वालिफाई नहीं हो मुझसे बात करने के लिए। और फिर सिक्योरिटी को ये बुलाती कि इन दोनों को बाहर फेंक दो। और ये इंस्ट्रक्शन आ जाते फिर बताते कि नहीं सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है मिस, मैं जो इसे संभाल लेता हूं। और ये जैसे एमसी को पकड़ लेते हैं इसको जो है नीचे मारता है और मोटा फिर एमसी को आवाज लगा रहा था कि क्या हो चुका है। और ये लड़की जो है सोच रही थी एमसी के बारे में, अगर मेरे सामने जो कूल एक्ट करना है तो तुम जो है मारे जाओगे मेरे से ही। और ये जो लड़का है ये जो है नेशनल चैंपियन है जो कि एमसी को नीचे फेंकने वाला है। लेकिन वही मास्टर जो डायरेक्ट पीछे लग जाता है और उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। ये लड़की फिर बताती है कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, इस लड़के ने जो है इसको कैसे फेंक दिया। और ये जो फिर एमसी को बता रहे होते हैं कि तुम जो एक सेल्समैन हो तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम इसे कैसे मार सकते हो। और मोटा भी बताता है कि ब्रदर तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने मुझे बताया नहीं तुम जो मार्शल आर्ट्स को जानते हो। फिर एमसी बताते हैं कि अच्छा मैं जो हूँ अच्छा हूँ इसमें, मुझे नहीं पता था, सच में मैं कंफ्यूज हूँ और सोच रहा था कि मैंने इसे कैसे यहाँ पर फेंक दिया। फिर सोचते कि क्या ये रिवॉर्ड मिला था मुझे वो ब्रॉडकास्ट सिस्टम से और इसलिए हमें जो है 2 घंटे पहले दिखाया जाता है कि क्या हो चुका था। एमसी काफी ज्यादा बोर हो चुका था और फिर बताता है कि चलो ब्रॉडकास्ट देखता हूँ। एमसी एक प्लेटफॉर्म जो है ज्वाइन कर लेता है जिसका नाम जो है वर्ल्ड वाइड लाइव होता है। एमसी बताते कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अच्छा होगा, चलो चेकआउट कर लेता हूँ। एमसी जो कुंफू वाले शो देख रहा होता है कि चलो देखते हैं ये शो कैसा है। और यहाँ पर सिस्टम में डायरेक्ट जो एमसी का नाम भी आ जाता है और लिखा होता है कि तुम जो नंबर 1 जो है टायरेंट हो जो कि समझो सबसे अमीर बंदा। जब ये ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर लेते हैं फिर एमसी बताते कि रुको जरा मैंने जो है कभी भी खुद को रजिस्टर नहीं किया था। और एमसी के पास पैसे भी जो है ऑलमोस्ट 1 लाख होते हैं। फिर एमसी बताते कि रुको जरा ये मुझे कैसे मिल चुके हैं, क्या ये रिवॉर्ड है जो नया बंदा आ जाता है उसके लिए, लेकिन मैंने जो कोई रिचार्ज भी नहीं किया था। और यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सब लोगों को वेलकम करती है ब्रॉडकास्ट पर। और ये फिर बता रही होती है कि मेरा नाम जो है ली फेंग है, तो मैं होप करती हूँ कि सब लोगों को जो है मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट पसंद आएगा। फिर एमसी बताते ये लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है और बहुत ज्यादा अच्छी है, ये मेरी टाइप की है, बहुत ज्यादा पोलाइट है और वैसे भी मुझे जो फ्री कॉइन्स मिल चुके हैं तो क्यों ना मैं इसे दे दूं। एमसी डायरेक्ट इसे जो है ये कॉइन्स दे देता है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इशू लगता है क्योंकि यहाँ पर एमसी जो है 9,99,999 मिलियन वर्ल्ड कॉइन्स देता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा इशू हो जाता है, तुम लोग बाद में समझोगे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर गलती हो सकती है। यहाँ पर मिलियन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ ये होता कि एमसी ने जो है इसे पूरे 10 लाख कॉइन्स जो है सेंड कर दिए हैं और सारे लोग भी शौक हो जाते हैं कि सच में भाई इसने इतने ज्यादा पैसे दे दिए। और कुछ लोग बता रहे होते हैं कि ये जो है पागल हो चुका है, इसने इतने ज्यादा पॉइंट यूज कर लिए। और कुछ लोग बता रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिच है, मैं भी तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। और कुछ लोग बता रहे होते हैं कि ये जो है पब्लिक का पैसा जो कि उड़ा रहा है। और ये लड़की भी एमसी को थैंक करती है। फिर एमसी बताते कि नहीं नहीं तुम्हें थैंक नहीं करना चाहिए, तुम जो डिजर्व करती हो। फिर एमसी बताते कि वैसे भी कॉइन्स मैंने दे दिए तो भाई मुझे अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। फिर ये लड़की बताती क्यों ना रिटर्न में मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दे देती हूँ, क्या तुम जो मेरा परफॉर्मेंस देखना चाहोगे, अगर तुम बोलते हो तो मैं कर लेती हूँ। फिर एमसी बताते कि चलो ठीक है तुम परफॉर्म कर लो जिसमें तुम अच्छी हो। और ये लड़की भी बताती कि चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और ये जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस यहाँ पर कर रही होती है और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल पे। फिर एमसी बताते कि सच में इसकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट है और ये जो है ताइची से डिफरेंट है जो कि मैंने देखी थी। ताइची जो एक तरह से चाइनीज मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कहलाई जाती है। फिर एमसी बताते कि सच में ये लड़की बहुत ज्यादा यंग है लेकिन इसका टैलेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ये बहुत ज्यादा स्किल है ताइची के अंदर। और सारे लोग जो है कुछ दूसरी परफॉर्मेंस का बोल रहे होते हैं लेकिन ये लड़की जो है ताइची कर लेती है। फिर एमसी बताते कि हाँ वो भी मैं बोलने वाला था लेकिन छोड़ो अब। और ये लड़की फिर बताती कि मैंने जो अपने ताइची परफॉर्मेंस कर ली है, क्या तुम लोगों को पसंद आ चुकी
लिए और थैंक यू वापस से रिवॉर्ड देने के लिए। इस लड़की ने जो अपनी ताइची का नाम दिया होता है वो ली शी होता है, और ये भी बता रही होती है कि ट्रेजर चेस्ट है वो भी खुलने वाली है ब्रॉडकास्ट रूम की, तो उसे ओपन करना मत भूलना। फिर हम जैसे ही क्लिक कर लेते उस रिवॉर्ड पे, इससे भी जो है उस ही का ही स्किल मिल जाता है। फिर हमसे बताते हैं कि सच में इसने डरा दिया था, लेकिन इसका होलोग्राफ प्रोजेक्शन जो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का है, मुझे ऐसे लग रही है जैसे बुक बाहर आ रही है। अचानक से इस बुक की पूरी मेमोरी जो है एमसी के अंदर घुस जाती है। एमसी पर बताते हैं कि अचानक से क्या हो चुका है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है मेरे अंदर घुस चुका था और वो बुक भी गायब हो चुकी है। फिर एमसी बताते हैं कि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि क्या हो चुका है और मेरी डेस्टिनी जो है उसी टाइम चेंज हो चुकी थी। और ये एमसी को बता रहा होता है कि मास्टर तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो, और ये जो कराटे कोच होता है, ज्यादा नाम नहीं बताएंगे हम भी। और ये जो फिर एमसी को बता रहा होता है कि लास्ट मंथ याद है तुम्हारे साथ मैंने क्या किया था, नीचे तुम्हें फेंक दिया था और तुम जो कुछ भी नहीं कर रहे थे उस टाइम, तो तुम्हारे पास मार्शल आर्ट के स्किल नहीं थे। और ये जो आ जाता है एमसी को मारने के लिए, फिर बताता है अच्छा तुम्हारे पास एबिलिटी है तो इसे रोक के दिखाओ। और फिर एमसी बताता है कि लगता है कि मुझे एक तरह से आदत हो चुकी है उस जापानीज बंदे की जो है धुलाई कर दी है, और ऐसा लगता है मेरी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रही है और डायरेक्ट इसे जो है रख के मार देता है। फिर एमसी बताता है कि सच में मेरी बॉडी ने जो है वो ली शी ताई ची जो है सीख ली उस लड़की की। सारे लोग शोक हो जाते हैं कि सच में इसने जो है दो की धुलाई कर दी है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, सच में इसे जो कुंफू आती है ये अच्छा है। फिर एमसी बताता है मोटे को कि चलो चलते हैं, इस जगह पर जितने भी लोग हैं सब इडियट्स हैं, और ये लोग बोले कि यहाँ पर जो है बेस्ट लोग रहते हैं और कुंफू मास्टर्स वगैरह हैं, लेकिन मुझे कोई भी नहीं लग रहा है। और मोटा भी बताते हैं कि हाँ तुम लोगों के पास एबिलिटी नहीं है। और ये लड़की फिर बताती कि तुम दोनों रुक जाओ, और एमसी को बताती वैसे भी तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो मैं जो तुम्हें रिमूव नहीं करूंगी, और मैं वो लेटर वापस ले लेती हूँ, तुम जो काम पे वापस से आ सकते हो। फिर एमसी बताते कि बस बस बहुत हो गया, मुझे लगा तुम मुझे पैसे देने वाले हो मेरे लास्ट मंथ के जो कि सैलरी थी, लेकिन छोड़ो इसे मैं जा रहा हूँ। और ये लड़की सोचती कि मैं इसे जाने नहीं दे सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करेगा फ्यूचर के अंदर, तो मुझे जो कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट जो है मोटे को बताती कि रुक जाओ, और फिर बताती कि मुझे याद है कि तुम्हें जो बहुत ज्यादा पैसे बाहर लोगों को देने हैं और तुम्हारे पास अभी जॉब भी नहीं है, क्या तुम्हें ये जॉब नहीं चाहिए? मेरा माइंड जो चेंज हो चुका है, मैं तुम्हें जो जॉब से नहीं निकालने वाली हूँ, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे और तुम जो हो एमसी के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म कर दोगे, मैं जो तुम्हें डबल सैलरी दूंगी वो कैसा रहेगा? और ये एमसी के बारे में सोच रही होती कि बस तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि सोसाइटी की रियलिटी क्या है, और देखना तुम्हारा फ्रेंड जो है मुझे चूज करेगा। अमोटा जो फिर एमसी को बताते कि क्या मैं कर सकता हूँ, एमसी बताता है कि जो भी करना है कर लो। वैसे एमसी के जो गले पे ये निशान है मैं तुम्हें एडवांस भी बता देता हूँ कि ये एक तरह से टैटू है, समझा करो एमसी सच में ज़ॉम्बी नहीं है। फिर एमसी बताते कि हाँ मेरे को जो है लोन चुकाना है अगले वीक के लिए, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और ये जो फिर मोटा को बता रही होती कि हाँ तुमने जो सही काम किया है, और ये जो एमसी को बता रही होती कि अपनी आंखें खोल के देखो कि लोग जो किसको फॉलो करते हैं। और ये मोटा जो इस पे थूक देता है, फिर बता रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो पैसों के लिए अपने दोस्त को छोड़ दूंगा, और भले तुम कुछ भी कहो मैं जो तुम्हारे साथ नहीं रुकने वाला हूँ। वैसे मोटे के पास गोल्ड की चेन है, ये बेच के वो लोन चुका देगा। वैसे देख रहे हो कि हर एक कॉमिक के अंदर मोटा ही अच्छा फ्रेंड होता है। और ये जो मोटा बताता है कि चलो चलते हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ से भागने के लिए। और यहाँ पर ये आ जाते फिर इस लड़की को बता रहे होते कि क्या हमें जो है मतलब पुलिस को बता देना चाहिए ताकि इनको पकड़ ले। ये लड़की फिर बताती कि नहीं इन्हें जाने दो। और ये एमसी के बारे में बता रही होती कि मैं जो तुम्हें मार दूंगी, और तुम्हें जो इस सिटी में जगह भी नहीं मिलेगी दफनाने के लिए। और मोटा फिर यहाँ पर बता रहे होते कि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है कि हम जो अभी फ्री हो चुके हैं, लेकिन अभी जो हम अनएम्प्लॉय हो चुके हैं, हमारे पास कोई काम नहीं, अभी हमें क्या करना चाहिए। और फिर एमसी बताता है कि इसके अंदर जो है $5,000 है जो कि मैंने सेव करके रखे हुए हैं, जो कि इमरजेंसी के लिए थे, तुम यूज कर लो इसे। और ये मोटा बताता है तो तुम्हारे बारे में क्या होगा। एमसी बताता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरे पास प्लान है कि कैसे मैं पैसे बना सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे कमाने वाला हूँ। ये फिर बताता भी है मोटा कि भाई कोई क्राइम तो नहीं कर रहा ना। और ये पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर बताते चलो मैं घर जा रहा हूँ, इंटरनेट पे जो जॉब ढूंढूंगा, और तुम्हें जो है कोई स्टूपिड काम नहीं करना चाहिए। फिर एमसी सोच रहे होते कि मैं जरूर जो है वो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट वाले वेबसाइट से जरूर पैसे कमाऊंगा। और इसी के साथ जो है रात हो जाती है और ये इंटरनेट कैफे आ जाता है। फिर एमसी बताते कि मेरा लेवल जो है अभी मोर्टल वीक पे पहुंच चुका है, और मैं यहाँ तक कि कुछ चैनल भी नहीं दे सकता हूँ, लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रूल्स हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर अभी एमसी बात कर रहा होता है कि मुझे जो है ना सिस्टम ने 1 मिलियन पॉइंट्स दिए थे, अगर तुम लोगों को याद हो पहले वो 999 मिलियन ऐसे बता रहे थे, लेकिन मैंने सही बताया था, गेस सही किया था। फिर एमसी बताते कि सिस्टम ने वो दिया था, क्या ग्लिच था कि क्या सीन था, लेकिन कोई नहीं अभी मैं रिग्रेट भी नहीं कर सकता हूँ, अगर मुझे पता होता मैं केयरफुली इसे यूज करता। चलो देखता हूँ कि मेरे पास कितना पैसा है। एमसी चेक करते तो एमसी के पास जो है सिर्फ 0 पैसे होते हैं, और सिस्टम सिंपली
ये बता देता है कि तुम्हारा जो पैसे है वो जीरो तक पहुंच चुके हैं, तो इसलिए सिस्टम जो है तुम्हें मतलब वापस से और पैसे देगा जो कि डबल होंगे उसके अगले दिन ही। और तुम्हें जो एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेगा अगर जितने पैसे तुम्हारे पास है वो तुमने यूज नहीं कर दिए हैं। फिर हमसे बताता है ये टिप मुझे बता रहा है कि ये वापस से मुझे पैसे देने वाला है। फिर हमसे बताता है कि लगता है कि मैं जो एक तरह से इनविजिबल हो चुका हूँ, ये एक तरह से भगा चुका है। और इसी के साथ रात हो जाती है और हमसे यहाँ से जा रहा होता है। फिर बता रहा होता है कि साला मैं पैसे कैसे कमाऊंगा उस लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम से, और सिस्टम जो मुझे 10,000 वर्ल्ड कॉइन भी देगा जो कि मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ पैसों से। अब वर्ल्ड कॉइन भी अलहदा चीजें हैं और दूसरे कॉइन अलहदा है जो कि लोगों को डोनेट कर सकते हैं, वो अलहदा पैसे है, वर्ल्ड कॉइन अलहदा है। फिर हमसे बताता है कि क्या ये मैं पैसे यूज करके कुछ और सीख सकता हूँ। डायरेक्ट कोई बंदा यहाँ पर आ जाता है और ये वही जो है कुंफू मास्टर्स होते हैं। फिर बताते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे एम्बेरस करने की, तो मैं ये लोग यहाँ पर लेकर आ चुका तुम्हें जो है मारने के लिए। फिर एमसी हंसते फिर बताते कि अच्छा, और फिर सोच रहे थे कि सही टाइम पे ये आ चुके हैं, चलो ट्राई करता हूँ अपने मार्शल आर्ट इन पर। और ये फिर बता रहे थे कि जल्दी करो मार दो इसे, जोड़ना मत। ऐसे बताते कि हाँ आ जाओ यहाँ पर, और एमसी जो इनकी काफी ज्यादा धुलाई कर देता है। ये एमसी को बता रहे थे कि तुम मेरे पास मत आओ, और ये फिर एमसी को बता रहे थे कि तुम किस टाइप के मॉन्स्टर हो और ये जो ड्रीम है ये रियलिटी नहीं हो सकती, और ये जो यहाँ से भाग जाता है। फिर एमसी बताते कि सच में ये जो ताइची इसके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है, और यहाँ तक कि मैं थक भी नहीं चुका हूँ इतने सारा लोगों को मार कर। और चलो देखता हूँ ये लाइट ब्रॉडकास्ट जो 12 बजे बच जाएंगे मुझे वापस से कॉइंस मिल जाएंगे, देखूंगा। और एमसी जो घर पे आ जाता है वो मोबाइल वर्जन उसका डाउनलोड कर लेता है। फिर बताता है कि चलो देखता हूँ कि कॉइन्स आ चुके हैं कि नहीं। फिर एमसी बताता है कि क्या हो चुका है, मैं इसे ओपन क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्या ये सिर्फ कैफे के इंटरनेट पर चल रहा है। लेकिन बाद में एमसी को पता चल जाता है कि इसने जो वाईफाई का बिल ही नहीं भरा था, इसके पास पैसे ही नहीं थे। फिर ये जो अपना ही इंटरनेट खोल देता है और ये जो है दूसरी ब्रॉडकास्ट देखने लग जाता है। और एमसी को भी जो है पूरे 2 मिलियन जो है वर्ल्ड कॉइन्स मिल चुके होते हैं। फिर एमसी बताता है कि सच में ये डबल हो चुका है। फिर बताता है कि चलो मैं देखता हूँ, अभी मुझे जो है मार्शल आर्ट की स्किल नहीं चाहिए, चलो देखता हूँ जिससे मैं पैसे कमा लूं। एमसी जो लेक्चरर पे क्लिक कर लेता है, फिर बताता है कि चलो ये देख लेता हूँ। यहाँ पर कोई बंदा होता है जो कि अपने जो है एक बुक के बारे में बता रहा होता है कि वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, तो मैं होप करूंगा तुम लोग जो है पसंद करोगे उसे। और यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हो जाती है कि हाँ एमसी भी जो है आ चुका है, और ये एमसी को भी बता रहा था कि अच्छा तुम वही हो फर्स्ट टायरेंट, सब लोग जो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कल ही, वेलकम तुम यहाँ पर आ चुके हो। और ये फिर अपने बारे में भी बताता है, अभी जो है मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ मेरे न्यू नॉवल लाइफ को, कमेंट कर लेता है सब लोगों को, बताता है कि क्या ये बुक अच्छी है, तुम लोगों को क्या लगता है। और सारे लोग फिर बता रहे थे हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये भी हंसते फिर बताते हैं एमसी को, अगर तुम्हें जो है मतलब ये बुक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो तुम ये खरीद भी सकते हो। फिर एमसी बताते कि और कभी मैं जो नॉवेल्स पढ़ता हूँ लेकिन ये वाला जो है के बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना है, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी लग रहा है, लेकिन ये जो है सर्च करता है तो कहीं पर भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा होता। फिर एमसी बताते कि रुको जरा, ये बंदा और इसका नॉवेल जो है इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है, और लगता है कि ये जितने भी लोग हैं ये किसी दूसरे वर्ल्ड से हैं, मतलब पैरेलल वर्ल्ड से हैं। फिर एमसी बता रहा था कि चलो ये मेरे लिए इजी हो सकता है, मतलब मैं जो इसका नॉवेल खरीद लूंगा और इस वर्ल्ड के अंदर जो है पब्लिक कर लूंगा जो कि इजी रहेगा। और इसी के साथ एमसी जो इसे बस ये 2 मिलियन जो है दे देता है, और ये भी शौक हो जाता है। सारे लोग बता रहे थे कि सच में इतने ज्यादा पैसे दे दिए, और ये भी एमसी को थैंक कर रहा होता है। और फिर एमसी बता रहा होता है कि क्या तुम जो मुझे इसका वर्जन सेंड कर सकते हो, वो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला, मतलब पीडीएफ के अंदर, क्योंकि मैं जो वो खरीद तो नहीं सकता हूँ क्योंकि दूसरे वर्ल्ड के अंदर ये होता है। और ये फिर बता देता है कि ठीक है मैं सिस्टम के थ्रू तुम्हें सेंड कर दूंगा, और यहाँ तक कि मैं जो तुम्हें न्यू चैप्टर भी दे दूंगा जो कि रिलीज नहीं हुए हैं, ये जो एक तरह से टॉप सीक्रेट रहेगा। और एमसी को भी जो ट्रेजर चेस्ट मिल जाती है, और जैसे ये जो इसे खोल देता है और इसे जो है एक पेंटिंग मिल जाती है, मतलब ये एक तरह से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है। एमसी पर बताता है कि सच में ये इस दफा डिफरेंट है, पिछली दफा मुझे वो स्किल मिली थी, स्किल बुक थी, ये चीज दूसरी है। और एमसी बता रहा था कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मुझे जो है चाहिए था, और अगर मैं जो हूँ कोई भी लाइव स्ट्रीम देखता हूँ तो तुम्हें जो एक रिवॉर्ड भी मिल सकता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसे जो खोल देता है फिर बताते कि अच्छा ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है ये पेंटिंग, और ये एक बंदे ने बनाई थी जो कि एमसी ही वर्ल्ड का था, जो कि बहुत ज्यादा फेमस था। एमसी पर जो है नेट पे देखता है कि चलो देखते हो कि ये कितने की होगी, लेकिन ये पेंटिंग कहीं पर भी नहीं मिल रही होती है। लेकिन हाँ उसके और जो है पेंटिंग मिल रही होती है जो कि मतलब 5.5 लाख डॉलर्स की, कुछ जो है 2 मिलियन की, कुछ जो है 4 मिलियन की बिक चुकी होती है। और इसी के साथ जो है एमसी सुबह सवेरे उठ चुका होता है, फिर बताता है कि लाइफ में पहली दफा 6 बजे उठा हूँ सुबह, और कल रात को मैं जो काफी ज्यादा लोगों से लड़ा था लेकिन मेरी बॉडी जो बिल्कुल जो है फुल ऑफ एनर्जी है, मुझे जो है कोई भी दर्द फील नहीं हो रहा है, और लगता है कि ये कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और एमसी जो है यहाँ पर लग जाता है और ये टेक्निक जो यहीं पर ही कर रहा होता है। अचानक से कोई बंदा यहाँ पर आ जाता है, एमसी को बताता है कि लिटिल ब्रदर तुम जो बहुत ज्यादा कूल हो। एमसी भी शॉक हो जाता है, एमसी बताता है कि मुझे शॉक कर दिया, क्या हो चुका है। और ये फिर बता रहा होता है कि बस मैं यहाँ से जा रहा था तुम्हें देख ले, तुम जो हो ताइची कर रहे थे, लेकिन तुम जो ताइची कर रहे हो मुझे भी ताइची के बारे में पता है, मार्शल आर्ट के बारे में पता है, लेकिन जो तुम टेक्निक यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा यूनिक है, क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी टेक्निक ताइची जैसी लगती है
है लेकिन रियलिटी में है नहीं। और यहाँ पर जो है एमसी फिर बता रहा होता है कि बस ये मेरे जो फैमिली का मार्शल आर्ट टेक्निक है। और फिर ये एमसी को देखते फिर बताते कि अच्छा लेकिन तुम्हारी बॉडी जो है बहुत ज्यादा वीक है लेकिन तुम्हारी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर एमसी बताते कि अंकल मुझे कुछ करना है, यहाँ से चला जाता है। फिर ये एमसी को बताते कि अच्छा तुम जा रहे हो तो चलो फिर अगली दफा मिलते हो, कब आओगे तुम। एमसी सोच रहा होता है कि साला ये अंकल कहाँ से आ चुका है। और एमसी को लग रहा होता है कि भाई ये मेरे को जानबूझ के छेड़ लाता है, परवर्ट लग रहा है इसे। एमसी बताते कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और डायरेक्ट जो है फिर उस अंकल को भी कोई बुला रहा होता है, भाई आ जाता है। और ये जो इसका बेटा होता है फिर बताता है कि डैड मैंने कितनी दफा तुम्हें बोला है कि तुम्हें जो बाहर ऐसे नहीं घूमना चाहिए, क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, फिर हमारे फैमिली के बिजनेस का क्या होगा। और ये जो अपने बेटे को बता रहा होता है कि साला तेरे को मैंने जन्म दिया है, मतलब इसने तो जन्म नहीं दिया लेकिन समझो इसने कांड किया था इसकी वाइफ समझ लो इसकी माँ के साथ। क्या बोल रहा मैं, मतलब समझो कि भाई तेरे पास सही से विजन नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है। बता रहा होता है कि ये यंग मैन जो है मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन अगर मैंने इसे ऑब्जर्व किया है, ये जो प्रैक्टिस कर रहा था काफी टाइम से, तो मुझे लगता है कि मैं जो किसी रियल मास्टर से मिला हूँ। इसी के साथ एमसी जो आ जाता है फिर बताते कि फाइनली मुझे जो मिल चुका है एक ऑनलाइन जो जगह है सिटी के अंदर, और मैं जो इस बस से वहाँ पर चला जाऊंगा और वो पेंटिंग जो है बेच दूंगा। और इसी के साथ एमसी जो बस के अंदर चला जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं, बहुत ज्यादा क्राउड होती है, एमसी सबको हटा रहा होता है। और जैसे जाने वाला होता है फिर एमसी बताता है कि भाई मेरे को जो है कोई धक्का वक्का ना मार दे क्योंकि मेरे बैग के अंदर जो है $1 million की पेंटिंग है, वो खराब ना हो जाए। और डायरेक्ट एमसी का जो हाथ कहीं पर लग जाता है, फिर बताते कि बॉस क्या तुम हट सकते हो। फिर एमसी बताते कि बॉस तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। फिर एमसी बताते कि बॉस तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, और डायरेक्ट कोई लड़की होती उस पे हाथ रखा होता है एमसी ने। और वो एमसी को बता रहा होता है कि तुम परवर्ट तुम क्या कर रहे हो, किधर तुम टच कर रहे हो। यहाँ पर पीछे लड़की होती वो भी बता रही होती कि तुम क्या कर रहे हो दिन दहाड़े। फिर एमसी बताते कि सॉरी मिस मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, बस इस तरह से जंपे मार रही थी तो तुमसे टच हो गया गलती से। और ये लड़की फिर भी एमसी को बातें सुना रही होती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम ऐसी चीजें जो है सब लोगों के सामने कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, शर्म रात को आती है दिन को नहीं आंटी। मतलब आंटी नहीं दीदी बोल, नहीं दीदी भी नहीं बोलूंगा, बच्ची बोलेंगे बच्ची। और ये लड़की फिर बता रही थी कि मैं जा रही हूँ पुलिस को कॉल करने के लिए, इसे जो उतरने मत देना। और ये फिर बताते कि हाँ चलो बस भी चेंज करते हैं। फिर एमसी बताते कि भाई मैं ये नहीं कर रहा था, क्या हो चुका है तुम लोगों को। अचानक से जो बस ब्रेक मारती है, ये दोनों लड़कियां इसी के पास आ जाती है। फिर एमसी बताते कि भाई क्या चल रहा है आज, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं दोनों, मैं जो इस फिल्म को नहीं बोलूंगा। और ये लड़की भी बताती कि सॉरी अचानक से इसने ब्रेक लगा दिया था, हम तुमसे लग गए। फिर एमसी भी इनको बातें सुनाने लग जाते कि भाई जज मत किया करो, तुम भी देख रहे हो मैं एडवांटेज नहीं ले रहा था लेकिन तुम लोग भी मेरे पीछे आ चुकी हो, तो मैं भी बोलूं कि तुम लोग भी मुझे छेड़ रहे थे तो तुम लोगों को सोचना चाहिए अगर कुछ बोल रही हो तो। और ये भी सॉरी कर लेते हैं। फिर बता देता है बस के सॉरी पैसेंजर्स, हम जो है एक जगह पे नहीं रुकने वाले, जो स्टॉप था हम दूसरी जगह पे जाएंगे, इमरजेंसी वहां पर। ये फिर एमसी बताते हैं कि क्या हो गया। और इसी के साथ एमसी वालों को दूसरे स्टेशन पे उतारने का बोल रहे थे कि तुम लोग उस स्टेशन पे खुद ही चले जाना। और एमसी यहीं पर उतर जाते, फिर बताते कि अब मुझे लगता है कि दूसरी जो है बस ढूंढनी पड़ेगी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि यहाँ पर होटल वगैरह बुक कर लूं अपने लिए। और यहाँ पर ये लड़कियां भी यहीं पर ही होती है। फिर एमसी बताते हैं कि तुम लोग भी जो इस स्टेशन जा रहे हो जहाँ पर एमसी जा रहा होता है, ये फिर बताते हैं कि हाँ हम वहाँ पर जा रहे हैं, क्यों ना हम टैक्सी बुक कर लेते हैं, आधे आधे पैसे दे देंगे। और इसी के साथ ये जो है टैक्सी बुक कर लेते हैं। और यहाँ पर टैक्सी वाला बता रहा होता है कि प्रिटी गर्ल्स तुम्हें टेंशन नहीं करनी चाहिए, मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा फास्ट है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये फिर बता रहा होता है कि सॉरी मैं बहुत ज्यादा जो हूँ ग्रोसरीज लेकर आ चुका हूँ, तो फ्रंट सीट जो भरी पड़ी है, तुम तीनों वहाँ पर पीछे बैठ चुके हो। फिर ऐसे बताता है नहीं ये ठीक है, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं जो इस तरह से लड़कियों के साथ बैठ रहा हूँ। और ये भी बता रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ कि तुम्हारे पास दो गर्लफ्रेंड है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये भी बताती कि हम इसके गर्लफ्रेंड नहीं है। और ये जो फिर इस लड़की को बता रही होती है एमसी के बारे में कि मुझे लग रहा है कि ये लड़की में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ये मेरे पास बार बार चिपक रहा है, जैसे हम उतरेंगे तो हम जो फिर इससे नहीं मिलने वाले। और ये एमसी को बताता है कि तुम क्या कर रहे हो, एमसी इससे मतलब टच कर रहा होता है कि इधर देख। और ये फिर बता रहा होता है कि तुम किधर टच कर रहे हो, एमसी को गालियां दे रही होती है। फिर एमसी बताता है कि अपना मुंह बंद कर, तुम्हें जो कुछ अजीब नहीं लगा इस गाड़ी के बारे में। और लगता है कि ये जो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, ये जो लगातार आगे जाता जा रहा है। और एमसी फिर इसे बताता है कि ड्राइवर तुम जो कहां जा रहे हो, हमें जो जियांग सिटी में जाना था ना। फिर एमसी को बताते कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं जो तुम लोगों को एक अच्छी जगह पे लेकर चला जाऊंगा, एक हम यहाँ पर आ चुके हैं। और ये जैसे ही रुक जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ चुके होते हैं, इस लड़कियों को बता रहे होते हैं कि तुम्हारा टर्मिनल आ चुका है, तुम लोग जो खुश रहोगे इस फॉरेस्ट के अंदर, जल्दी करो यहाँ से उतर जाओ। और ये भी शौक हो जाते कि क्या ये जो रॉबरी कर रहे हैं। और ये जो इस लड़की को उतार देते कि जल्दी करो बाहर आ जाओ, दो लड़कियां हमें मिल चुकी है। और ये लड़की भी बता रही थी कि मुझे जाने दो, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ये फिर बताते कि तुम्हारी जो बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल है, स्वीट हो तुम, भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। और ये फिर बताते तभी कि तुम्हें रिपोर्ट करना है, करो, पिछली बार भी जो है पुलिस आई थी यहाँ पर तो उनको सिर्फ लाशें मिली थी। और सारे हंस रहे होते हैं। और ये फिर बता रहे थे कि हाँ हम जो है पैसों का वेट कर रहे थे कि हम पैसे लूट लेंगे, लेकिन लगता है कि यहाँ पर लड़कियां भी आ चुकी है। और ये इस लड़की को भी उतारने का कर रहा होता है, लेकिन एमसी इसका हाथ पकड़ लेता है।
और फिर बता रहे थे कि रुक जाओ मुझे पहले जो गाड़ी से उतरने दो, ये गाड़ी बहुत ज्यादा बोरिंग है। और फिर बता रहे थे कि क्या तुम मरना चाहते हो, जल्दी करो बाहर आ जाओ, सारे पैसे दे दो। फिर हमसे बताते हैं रुक जा दे रहा हूँ तेरे को पैसे। और ये फिर बता रहे थे कि ये लड़का पागल हो चुका है, ये क्या करने वाला है। बताते कि सॉरी लेकिन मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास बिजनेस है, तो कैसा रहेगा कि मैं तुम लोगों की अभी यहीं पर ही धुलाई कर दूं। और ये फिर बताते कि अच्छा ये जो है डर नहीं रहा है, चलो इसको मारते हैं। और ये लड़की भी बता रही थी कि रुक जाओ हम जो है तुम्हें पैसे दे देंगे, प्लीज इसे नहीं मारो। लेकिन एमसीटी अच्छी खासी इनकी धुलाई करने लग जाता है और थोड़ी देर बाद ये जगह जो है क्लियर हो जाती है। फिर एमसी बताते कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा वीक थे। और फिर एमसीटी इस लड़की को भी बता रहे थे कि थैंक यू, तुम्हें जो किसी बंदे के बारे में पता था जो कि पुलिस स्टेशन में काम करता है, तो इसलिए मेरा बहुत ज्यादा टाइम बच गया, वरना हमें जो पेपर वर्क करना पड़ता और उन्हें बहुत ज्यादा चीजें समझानी पड़ती। और ये लड़की फिर बताती कि नहीं ये बस मेरे कुछ फैमिली के रिलेटिव से उनको पता है। और ये फिर वापस एमसी को बताती कि थैंक यू जो भी तुमने अभी किया, वो बहुत ज्यादा शाय फील कर रही होती है। फिर एमसी बताते कि नहीं बस ये छोटी सी चीज थी, मैं जो हूँ लोगों की हेल्प कर रहा था। फिर एमसी सोच रहा था कि ये लड़की जो ब्लश क्यों कर रही है, बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। और फिर पुलिस जो इन्हें यहाँ पर लेकर आ जाते, उतार देते हैं, इन लड़कियों का भी यहाँ पर जगह होती है। फिर एमसी बताते कि तुमने नहीं बोला था कि यहाँ पर कोई आएगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। और ये लड़की आ जाती अपनी सिस्टर को बता रही होती, ये इसकी सिस्टर होती है, कि क्या हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। और ये फिर बता रही थी कि सिस्टर तुम यहाँ पर क्यों आ चुकी हो। फिर एमसी बताते कि सिस्टर बहुत ज्यादा छोटा वर्ल्ड है। और फिर ये एमसी को बताते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरी सिस्टर के साथ क्यों हो। फिर एमसी बताते कि मुझे क्या पता ये तुम्हारी सिस्टर है, मैं बस यहीं पर ही इसके साथ जा रहा था, मैं एक पैसेंजर था, मैं जाने वाला हूँ वैसे भी। फिर एमसी सोच रहा था इस लड़की के बारे में कि मैं जरूर जो एक दिन तुमसे बदला लूंगा और तुम्हारी फैमिली जो है रिपे करेगी मुझे और मेरे जो है मोटे भाई को, तुमने जो है हमें इंसल्ट किया था। और ये लड़की भी बताती कि सिस्टर तुम्हें पता है कि ये लड़का कौन है, क्या तुम्हारी कोई फाइट वगैरह हो रही है क्या इससे। और ये फिर बता रही होती है कि क्या हो गया, क्या तुम्हारा उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। और ये फिर बता रही होती कि सिस्टर इसने जो है मुझे बचाया था, वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जो आ चुके थे, लेकिन इसने जो उनकी धुलाई कर ली थी, ये जो बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कि जितने भी कोच है उनसे भी ज्यादा अच्छा। और ये फिर बता रही होती है अगर ये नहीं होता तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता और हम जो कभी मिल भी नहीं पाते। और ये फिर बताते कि ठीक है चलो तुम्हारी वजह से उससे मैं आर्ग्यू नहीं करूंगी, मुझे जो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता थी। और ये हंस रही होती है। फिर एमसी जो होटल के अंदर आ जाता है क्योंकि वो जो दुकान है वो बंद होती है। फिर एमसी बताते कि अच्छा वो इसे कोई डैमेज वगैरह नहीं हुआ है, मैं कल जाऊंगा उस शॉप पर। फिर एमसी सोच रहा होता है अगर ये पेंटिंग जो है फेक होगी तो मुझे जो है कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। फिर एमसी बताते कि ये याद है कि मुझे जो वो नोबल दिया था उस बंदे ने, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब मैंने जो है पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। और फिर एमसी बताते कि ये नोवल जो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्यों ना लोगों के लिए इसके चैप्टर जो है रिलीज कर लेता हूँ। वैसे भी ये नोवल जो इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट भी नहीं करता है। और इसी के साथ ये जो अपलोड कर लेता है। फिर बताते कि अभी जो है वैसे भी 12 नहीं हुए, चलो देखता हूँ ब्रॉडकास्ट। और यहाँ पर हमें जो है ये दोनों दिखाए जाते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। फिर एमसी बताते कि अच्छा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब दो जो है एंकर्स एक दूसरे से फाइट करेंगे, एक दूसरे से जो है ब्रॉडकास्ट करेंगे साथ में। और जैसे एमसी ज्वाइन कर लेता है यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि इसने ज्वाइन कर लिया। ये लड़की भी बताती कि अच्छा तुम यहाँ पर आ चुके हो, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है कि हम जो है मिले हैं एक दूसरे। और ये लड़का भी बताती कि अच्छा ये वही बड़ा वाला बंदा है जिसने बहुत ज्यादा पैसे दिए थे। और ये जो फिर एमसी को बता रहा होता है कि मैं जो हूँ चैंपियन हूँ इस वर्ल्ड का, अगर तुम्हें जो मुझसे मेरा वाला जो है ताइची सीखनी है तो तुम जो मुझे कॉइन्स दे दो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और ये लड़की भी इसे रोकने का ट्राई कर रही होती है। फिर एमसी बताता है कि साला ये लड़का जो डायरेक्ट बात कर रहा है, लेकिन तुम्हें जो कितने ज्यादा कॉइन्स चाहिए। और ये एमसी को बता रहा होता है कि तुम मुझे 4 मिलियन कॉइन जो है दे दो, मैं जो तुम्हें सब टेक्निक सिखा दूंगा। और बिलीव करो ये कॉइन्स जो है मतलब एक तरह से काफी है सीखने के लिए, या फिर बोले तो अच्छी प्राइस है ये सीखने के लिए, क्योंकि ये जो है वर्ल्ड का 5 दफा का वर्ल्ड चैंपियन होता है बॉक्सिंग के अंदर, इसे जो कोई भी हरा नहीं सकता है। और ये एमसी को बताता है कि मैं तुम्हें ये टेक्निक जो है सिखा दूंगा। और ये लड़की फिर बता रही होती कि तुम जो बहुत ज्यादा ब्लैक हार्टेड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मतलब इसे जो है लूटने की। और ये जो एमसी को बता रही होती कि इसे इग्नोर करो, अगर तुम्हें जो है कुंग फू सीखनी है तो मैं जो रिकमेंड करूंगी और लोग जो कि तुम्हें सिखा सकते हैं। और ये जो है फिर इसे बता रहा होता है, मैं जो डायरेक्टली इसे बता रहा हूँ ताकि मतलब बातें हमें घुमानी ना पड़े। और क्या होगा अगर इसके पास जो पैसे नहीं होंगे ये खरीदने के लिए, क्या पता इसने जो तुम्हें वो पैसे वगैरह दे दिए थे, वो इसकी प्रॉपर्टी थी जिसने बेच दिया था। और ये सच में जो एक टायरेंट नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। फिर एमसी बताते कि ये लड़का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर एमसी बताते लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत ज्यादा कॉइन्स नहीं है तुम्हें देने के लिए, चलो देखता हूँ कि अभी टाइम जो है क्या हो चुका है। और एमसी के पास अभी 0 कॉइन्स होते हैं। फिर एमसी बताते कि क्या हो रहा है, 12 हो चुके अभी तक कॉइन्स नहीं आए। और फिर अचानक से एमसी को जो कॉइन्स आ जाते। फिर एमसी बताते कि अच्छा सिस्टम थोड़ा सा लेट हो चुका था। और एमसी बताते कि चलो मुझे कॉइन्स मिल चुके हैं तो अभी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ
और ये जेम्सी को बुला रहा होता है कि क्या सोच रहे हो, मुझे कॉइंस दे दो। एमसी जो उस लड़की से ही बात कर रहा होता है, इसे इग्नोर कर रहा होता है कि तुम दोनों जो ज्वाइन कर रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, तो क्या करने वाले हो आज। और ये एमसी को बता रहा होता है कि प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। और ये लड़की भी बता रही होती इसे कि मतलब तुम्हारा जो एटीट्यूड है और लोगों से भी अच्छा नहीं है। और ये लड़की फिर जो एमसी को बताती है, डेड बैंग बताती है, लेकिन मुझे लगता है ट्रांसलेशन में गलती होगी, और बताती है आज जो मैं इसके साथ फाइट करूंगी लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर। वो भी बताते हैं चलो देखते हैं कि भाई मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। फिर एमसी बताते हैं कि ये लड़की जो मुझे समझ सकती है, लेकिन देखता हूँ कि ये लड़का कितना ज्यादा अच्छा है फाइट करने में, और देखता हूँ क्या ये जो है जीत पाता है, इसके स्किल में देख लूंगा। और इनका जो फाइट यहीं पर ही स्टार्ट हो जाती है, और ये एक दूसरे को जो है मारने लग जाते हैं, और ये लगातार मुक्का मार रहा होता है। वो लड़की जो खुद को शील्ड से बचा रही होती है। फिर एमसी बताते हैं कि अच्छा ये लड़का जो थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा हैप्पी और मतलब स्माइल वगैरह कर रहा था, लेकिन फाइटिंग के टाइम पे ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और एमसी बता रहा होता है इस लड़की के बारे में, लेकिन फिर भी इसकी अटैक और डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी भी ये लड़की जो उससे लगातार फाइट कर रही है। चलो देखता हूँ कि ये जो है कैसे हरा सकती है, और मैं भी होप करूंगा कि मैं ज्यादा कल्टीवेशन करके इस लड़की की लेवल तक पहुंच जाऊँ। लेकिन ये लड़का जो अपने स्ट्रेट यूज नहीं कर रहा, और फिर ये बताते कि बस बहुत हो चुका है, चलो एंड करते हैं इसे। और ये जो मुक्का बना लेता है, फिर बताते कि केयरफुल रहना। और इस लड़की को जैसे मारने वाला होता है, और ये लड़की जो पीछे जाके गिर जाती है। और ये लड़की बताती है कि तुम्हारा पंच बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी मेरी ताइची शील्ड ने जो मुझे बचा लिया, मुझे चोट नहीं लगी है, लेकिन तुम जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हो पहले से। यहाँ पर बता दिया जाता है कि हाँ वो लड़का जो जीत चुका है, ये लड़की हार जाती है। और ये लड़की भी बड़े गुस्से के अंदर रहती है कि बस इस दफा मैं हार चुकी हूँ। और ये भी बता रही होती है हाँ मैंने इसको हरा दिया है। और एमसी को बता रहे थे कि तुमने देखा है कि मैं जो इनविजिबल हूँ, और मेरे जो टेक्निक है वो इनविजिबल है। एमसी वास्ता फिर बताते हैं तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और तुमने बहुत बड़ा जो एक्सप्लोसिव अटैक जो है बना दिया है, और सब लोग जो तुम्हारे जैसे अटैक जो है चाहते हैं। लेकिन फिर भी फिर एमसी बताते हैं कि तुम 4 मिलियन कॉइंस इस स्किल के बारे में मांग रहे हो। और ये फिर बताते हैं कि नहीं, मैंने जो अपना माइंड चेंज कर लिया है, अभी जो है मैं 10 मिलियन कॉइंस चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा इनविजिबल फील कर रहा हूँ, तो 4 मिलियन जो बहुत ज्यादा कम है, मुझे ज्यादा दो। और एमसी को भी गुस्सा आ जाता है, गालियां दे रहा होता है। फिर एमसी बता देता है कि ये गेम बहुत ज्यादा अच्छा था, उस लड़की को बताते हैं कि थैंक यू ये गेम दिखाने के लिए, और इसे जो कॉइंस दे देता है। और मुझे जहां तक लगता है यहाँ पर 5W कॉइंस बता रहे होते हैं, जो कि मुझे जहां तक लगता है मैं भी कोई 5 लाख कॉइंस दिए होंगे एमसी ने इसे, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि एमसी इतने ज्यादा कम कॉइंस थोड़ी ना देगा। फिर ये लड़की भी बताती है कि थैंक यू देने के लिए, ये भी बताते कि क्या। और इसी के साथ एमसी जो चला जाता है। और ये लड़की भी बताती है कि चलो आज जो है बंद कर लेते हैं लाइव स्ट्रीम को, थैंक यू सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए। और ये लड़का भी बता रहा है कि प्लीज मत जाओ, एमसी को बोल रहा होता है, मैं बिलीव करता हूँ कि तुम रियल टायरेंट हो, क्यों ना हम जो प्राइस को वापस से जो है सही करके काम करें। लेकिन वो चला जाता है। ये लड़की भी बताती है कि तुम डिजर्व करते हो। और एमसी इस लड़के के बारे में बता रहा होता है कि इसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन कोई नहीं मैं इतनी जल्दी के अंदर नहीं हूँ। फिर एमसी बताता है चलो सो जाता हूँ, कल जो है वापस से उठ जाऊंगा। और मुझे जहां तक लगता है क्या पता एमसी ने उसको 4 मिलियन ही दे दिए सारे कॉइन्स अपने। एमसी यहाँ पर आ जाते वो पेंटिंग बेचने के लिए। और ये लड़की भी बताती कि प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो अभी तक चेक नहीं हुआ है सही से, क्योंकि तुम्हारे प्रोडक्ट को जो है मास्टर चेक कर रहा है। और ये बंदा भी देख रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि ये क्या चीज है, मतलब ये जो बहुत ज्यादा फेक टाइप का लग रहा है। फिर एमसी बताते कि क्या तुम बता रहे हो कि ये फेक पेंटिंग है। ये फिर बता रहा होता है कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं है कि ये फेक पेंटिंग है, मेरा मतलब ये कि ये पेंटिंग जो है 60 साल पुरानी है, लेकिन ऐसे लग रही है जैसे कि बिल्कुल न्यू हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ, और ये रियल नहीं लग सकती है। फिर एमसी बताते कि थैंक यू तुमने जो ये इसे चेक किया है, ये पेंटिंग जो है मेरे फैमिली में होती हुई आ रही है, तो इसकी क्या प्राइस है। और ये फिर बताते लेकिन फिर भी हमें जो इसको चेक करना पड़ेगा, क्या तुम बहुत ज्यादा जल्दी के अंदर हो क्या। फिर एमसी बताते कि हाँ मुझे जो पैसे चाहिए अभी। फिर एमसी बताते कि चलो ठीक है तुम जरा रुको मैं आता हूँ। और अचानक से यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं। फिर एमसी बताते कि इसका क्या मतलब है। फिर एमसी बताते कि अच्छा ये जो इस टाइप की शॉप है। और ये अचानक से कोई चीज निकालते हैं, एमसी भी रेडी हो जाते हैं कि चलो मेरे साथ फाइट करो। लेकिन ये ब्रीफ केस खोल लेते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, एमसी भी शॉक हो जाता है। फिर एमसी बताते कि क्या ये मेरे पैसे हैं। ये फिर बताते हैं कि हाँ इसके अंदर 5 लाख है अभी के लिए, बकाया पैसे तुम्हें बाद में मिल जाएंगे जब ये चेक हो जाएगा, तो इसलिए कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, फिर तुम्हें हम पैसे सेंड कर देंगे। और ये 5 लाख एज मतलब शुरुआत के पैसे रख लो। फिर एमसी बताते कि सही है। फिर और इसी के साथ एग्रीमेंट जो एमसी साइन कर लेता है। वैसे देख रहे हो और कॉमिक के अंदर वैसे एमसी को लूटने का ट्राई कर रहे होते हैं जितने भी शॉप वाले होते हैं, इसमें एमसी को लूटा किसी ने नहीं। और ये फिर एमसी को भी बता रहे होते हैं कि प्लीज हम जो है 3 दिन बाद तुम्हें कॉन्टेक्ट करेंगे और जितने भी पैसे है वो दे देंगे। फिर एमसी बताते कि ठीक है। और ये भी एमसी के बारे में बता रहे होते हैं कि सच में ये लड़का जो बहुत ज्यादा रेयर है, इसके पास ऐसा रेयर आइटम भी है, इसका बैकग्राउंड जो है जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और ये लड़की भी बताती है कि ये बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। और फिर मास्टर बता रहे थे कि यहाँ तक कि इसने इतने ज्यादा पैसे भी देख लिए, लेकिन ये शौक बिल्कुल भी नहीं था, और ये जो है जरूर बहुत ज्यादा बड़ा बंदा बनने वाला फ्यूचर के अंदर। एमसी डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है पैसे लेकर, और चेक कर रहा होता है, शौक हो जाता है कि सच में मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि मुझे 5 लाख मिल चुके हैं, और मतलब डिपॉजिट मिल चुका है, बाद में और भी पैसे मिलेंगे, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे इतने ज्यादा
पैसे अपने लाइफ के अंदर नहीं देखे हैं। अब मुझे जो है महीने के 4000 युआन जो है मिलते हैं और पता नहीं कितने ज्यादा साल जो मुझे काम करना पड़ता है इतने पैसे कमाने के लिए। फिर उसे बताता चलो वापस से जो है मैं होटल में पहले चला जाता हूँ, मैं उसे एक शॉप देख लेते हैं, फिर बताते कि चलो यहाँ से जो है कुछ खा लेता हूँ। मतलब लड़की वाला मसाज वाला नहीं बता रहा हूँ, उसके पास जो है 100 ईयर बिग बंस है उसके बारे में बोल रहा हूँ। मैं उसे यहाँ पर ये जो है चीज ले लेता है, फिर बताता कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। और ये लड़की भी एमसी को बुलाती है, फिर बताती कि मैं जो तुम्हारे काफी टाइम से वेट कर रही थी, यहाँ पर आ जाओ बैठ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। लेकिन एमसी इसे इग्नोर करके जा रहा था, ये एमसी को बताती कि रुक जाओ। और ये लड़की भी बता रही थी कि इसकी हिम्मत किसी मुझे इग्नोर करने की, और फिर अपने बॉडीगार्ड को बताती है कि जल्दी करो ढूंढो कि ये जो किस रूम के अंदर है, ये फिर बताता है कि ठीक है। और ये जो यहाँ से नंबर भी पूछ लेता है। वैसे ये लड़की भी बता देती कि ये जो है कहाँ पर है, ये फिर बताते कि मिस मैं चला जाता हूँ उसे लेकर आ जाता हूँ। और ये फिर बता रही थी कि नहीं मैं जो खुद चली जाऊंगी उससे मिलने के लिए, उसे बता दूंगी कि मैं हूँ क्या। जो है शावर कर लेता है, फिर बताते कि सच में वो ताइची जो सीक्रेट बुक था उसको मैंने जो कल्टीवेट किया और मेरे मसल्स भी आ चुके हैं। और वो लड़की भी दरवाजा बजाती, फिर उसे बताते कि इस टाइम कौन आ चुका है। और ये उसे को बताती कि क्या तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं खुद यहाँ पर आ जाऊंगी तुमसे बात करने के लिए। उसे बताते कि तुम यहाँ पर क्यों आ चुकी हो। ये फिर बताते कि क्या तुम ऐसे कपड़े पहनते हो जब तुम किसी से मिलते हो या फिर दरवाजा खोलते हो। और उसे डायरेक्ट जो वापस दरवाजा बंद कर देता है। और ये भी बताती कि साला ये है क्या। और ये फिर बताते कि जल्दी करो दरवाजा तोड़ के जो है इसे निकालो। और ये जो है लग जाते हैं दरवाजा तोड़ने में, वैसे तोड़ भी देते, दया आया था लगता है। और एमसी बताते कि तुमने डोर को तोड़ दिया है और यहाँ पर आ चुकी हो, तुम मुझसे क्या चाह रही हो। और ये फिर बताते कि तुम जो एम्बेरस नहीं हो मुझसे पूछ कर, तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों आ चुकी हूँ और तुमने क्या किया है, तुम जो कैसे मेरे सिस्टर से जो कॉन्टेक्ट के अंदर आ चुके थे। और मैं आज यहाँ पर आ चुकी हूँ तुम्हें बताने के लिए कि मेरे सिस्टर से आज के बाद से दूर रहना, फ्यूचर के अंदर भी तुम और मेरी सिस्टर जो है वो एक सेम वर्ल्ड से नहीं है, क्या तुम समझ चुके हो। मैं उसे बताते कि तुम मेरी बॉस नहीं हो, मैं जो भी चाहूँ करना चाहूंगा, और तुम मेरे पेरेंट भी नहीं हो तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। और ये उसी को बता रही होती कि मैं जो तुम्हारी बॉस थी मैं मार्शल आर्ट की भी बॉस हूँ, तो तुम जो मेरे अंडर काम करते थे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे सिस्टर के साथ घूम रहे तो तुम्हारी खैर नहीं है। एमसी फिर बताते कि बस बहुत हो गया और क्या बोलना था, और जल्दी करो अपोलोजाइज करो मुझे यहाँ से जो है चले जाओ, वरना फिर ब्लेम मत करना अगर मैं रूड हो गया तो। और ये डायरेक्ट पीछे हो जाती, फिर बताते कि तुम क्या करोगे। और ये आ जाते फिर बताते कि मिस ये हब्बे छोड़ दो, हम इसे सबक सिखाते हैं। और ये शर्ट उतार के जो एमसी को मारने वाले होते हैं, फिर बताते कि जल्दी करो अपोलोजाइज करो मिस को। लेकिन एमसी डिफेंड कर लेता है यहाँ पर, और ये एमसी को बताते कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो ताइची के अंदर, हमने जो रिसर्च कर लिया है, तो तुम्हें ये नहीं समझना चाहिए कि हम जो वो घटिया कोचेज है जो कि मार्शल आर्ट्स के जिम के अंदर थे, हम जो प्रोफेशनल किलर्स है। लेकिन फिर भी एमसी जो है इनको पेल देता है, क्या दिखा रहा है लड़की को। और ये फिर बता रही थी कि जल्दी करो इसे कैच करो, मेरे पास टाइम नहीं है ये फाइट देखने के लिए। और ये फिर बता रहे थे कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि तुम जंप करोगे बंदरों की तरह तो तुम जीत सकते हो। फिर एमसी बताता कि तुम जो हो देख नहीं सकते हो डिफरेंस, तुम लोग जो बोल रहे हो कि तुम एक्सपर्ट हो, चलो देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। और ये आ जाते हैं एमसी को मारने के लिए, लेकिन फिर भी एमसी इसे पकड़ लेता है और फिर रख के नीचे मारता है। फिर बताता कि साले तू बहुत ज्यादा स्लो है। और वो दूसरा भी आता है कि मैंने तेरे को पकड़ लिया है, लेकिन वो एमसी का हाथ घुमा रहा होता है, लेकिन भाई उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। फिर एमसी को बताते कि तू अपना हाथ निकाल के दिखा, लेकिन शॉक हो जाता है। फिर बताते कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, तुम्हारे हाथ जो क्यों मूव नहीं हो रहे, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये मेटल बार्स हो। फिर एमसी बताते कि क्या हुआ, तू जो बोल रहा था कि तुम मुझे हरा दोगे, और रख के इसे मार देता है। और इन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। फिर एमसी बताते कि फाइनली शांति मिल चुकी है, फिर इसके पास आ जाता है। फिर बताते कि क्या हो गया, तुम शांत हो चुकी हो, बात करो, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो जो कि तुम चाहती हो। और फिर एमसी बताते कि चाहे तुम प्रोफेशनल जो है कोच लेकर आ जाओ या बॉडीगार्ड जो भी लेकर आ जाओ, रिजल्ट जो है सेम रहेगा, यह मुझे कभी भी हरा नहीं पाएंगे। और ये फिर बताती कि हाँ तुम जो इस दफा अच्छे हो, ये मेरा फॉल्ट था कि मैं जो अच्छे लोगों को लेकर नहीं आई थी तुमसे फाइट करने के लिए, तुम सिर्फ वेट करो। और ये फिर बताती लेकिन तुम जो मुझसे इतने ज्यादा क्लोज क्यों हो। और ये एमसी को बता रही होती है अगर तुमने जो है मुझे टच किया तो तुम्हारी खैर नहीं है। फिर एमसी बताते कि तेरे को लगता क्या है कि तुम हो क्या, मैं जो इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हें टच करने के लिए, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है तुम्हारा लास्ट चांस रहेगा, तुम जो मुझे धमकियां दे रही हो। एमसी बताते कि उस रात जो तुम बहुत ज्यादा लोगों को भी लेकर आ चुके मुझे मारने के लिए। ये फिर बताते कि क्या मतलब है तुम्हारा, उस रात को क्या हो गया, क्या मतलब है तुम्हारा। फिर एमसी बताते कि क्या तुम्हें नहीं पता क्या मतलब है मेरा, तुम्हें जो प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि तुम फूल हो, जल्दी करो चले जाओ अपने इंस्ट्रक्टर लुओ से पूछो मैं जो इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे सिस्टर के अंदर, और साथ में जो मैं अपना जो है मार्शल आर्टिस्ट का जिम खोलने वाला हूँ सिटी के अंदर ही, और तुम देख लोगी कि मैं जो हूँ क्या कर सकता हूँ। ये फिर बता रही होती कि ये जो एक तरह से मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होता है, अभी ये डायरेक्ट वार्निंग मुझे दे रहा है कि ये जो अपना जिम खोलने वाला है, और क्या ये ट्राई कर रहा है मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए। और ये हमसे बताती कि रुक जाओ बस तुम देखो, मैं जो और लोगों को
लेकर आ जाओगी तुम्हें मारने के लिए। तुम्हारे हॉल जब ओपन हो जाएगा उसे हम बंद कर देंगे। फिर हमसे बताते कि बस बातें ज्यादा हो गई है, क्या तुम नहीं जा रहे हो? क्योंकि अभी जो मैं ऑर्डर करने वाला था सर्विस को, क्योंकि वो छोटे से कार्ड है उन पर, क्यों ना तुम उनकी जगह ले लो। ये जो लड़कियों की तस्वीर है इनके लिए। और इसी के साथ ये जो यहाँ से चली जाती है बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर होती है। और ये फिर बताता है कि मिस वो दो किलर ब्रदर जो है अभी तक आ नहीं गए हैं। और ये लड़की बताती है कि उन्हें छोड़ दो, हमें जो जल्दी से वापस जाना चाहिए कंपनी पर। और ये फिर एमसी के बारे में सोच रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, बस मेरे लिए वेट करो, तुमने मुझे ह्यूमिलेट कर दिया है। इसे आइडिया नहीं है कि इसने किससे पंगा लिया है। और रात हो जाती है, फिर एमसी बताती है कि हाँ याद आया, चलो देखता हूँ मुझे कॉइन्स मिल चुके हैं कि नहीं। लेकिन सिस्टम से जो है नोटिस आ चुका होता है कि मेंटेनेंस जो शुरू है और इसको जो अपग्रेड होने में एक हफ्ता लग जाएगा। तो एक हफ्ते बाद मतलब ये प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। फिर एमसी बताते कि क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे एक हफ्ता जो है वेट करना पड़ेगा? फिर एमसी बताते कि चलो अभी एक हफ्ते तक मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता हूँ, चलो मैं सो ही जाता हूँ। लेकिन अचानक से एमसी को कॉल आ जाती है। फिर एमसी बताते कि ये कौन कॉल कर रहा है, और ये वही स्टाफ मेंबर होती है। फिर एमसी को कॉल कर देती है, फिर बताती कि सॉरी तुम्हें लेट कॉल किया। और ये फिर बताती कि वो पेंटिंग की ऑफर जो आ चुकी है एक्सपर्ट के तरफ से, और उसकी प्राइस जो है 24 लाख रुपए है। और वो लड़की फिर बताती कि हाँ इतने पैसे हमने लगाए हैं। फिर एमसी बताते कि ठीक है। एमसी बता रहा होता है कि फाइनली मुझे इतने ज्यादा पैसे मिल चुके हैं कि मैं अपना जिम जो है खोल सकता हूँ। वैसे मैं जिम बोल रहा हूँ लेकिन मार्शल आर्ट जिम ही होता है। अचानक से किसी और का भी कॉल आता है। एमसी बताते कि ये जो अननोन नंबर है लेकिन मुझे अच्छी फीलिंग भी नहीं आ रही है इस नंबर से। यहाँ पर जो वो लड़की कॉल कर लेती है, अभी थोड़ी देर पहले लड़की आई थी ना, उसकी बहन कॉल कर लेती है एमसी को। फिर बताते कि याद हूँ मैं। फिर एमसी बताते हाँ कोई प्रॉब्लम आ चुका है? और ये फिर बताते कि हाँ ये अच्छी चीज थी कि मैंने तुम्हारा फोन नंबर रख दिया है, मैं जो तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। और वो दूसरी लड़की भी बताती कि क्या मैं भी जाऊंगी क्या? और ये फिर बताते कि नहीं नहीं तुम नहीं जाने वाले। और ये फिर एमसी को बताती कि थैंक यू, उस दिन तुमने मुझे सेव कर दिया था। और ये फिर बताती कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, आजकल मैं फ्री हूँ, तो क्यों ना हम जो कल मिल जाते हैं 8 बजे और फिर मिलते हैं पार्क के सामने। फिर एमसी बताते कि ठीक है। फिर एमसी बताता कि रुको जरा, मैंने जो इसकी सिस्टर को बताया था कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, लेकिन अचानक से मैं इसके साथ डेट पे जा रहा हूँ। फिर एमसी बताते कि नहीं ये जो है मुझसे मिलना चाहती है, थैंक करना चाहती है, तो ये एक नॉर्मल चीज है। और एमसी फिर बताते कि हाँ ये जो कॉलेज स्टूडेंट है तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से चीजें सोच रही होगी। और एमसी बताते कि वैसे भी मैं जो इसके सिस्टर से नहीं डरने वाला हूँ, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे। और इसी के साथ अगले दिन जो एमसी पार्क पे आ जाता है और ये जो सारा दिन घूम रहे होते हैं, ये लड़की भी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर एमसी बताते कि भाई ये क्या चल रहा है, अचानक से ये डेट में कैसे कन्वर्ट हो गए? फिर एमसी बताते कि हाँ याद आया, तुमने जो है मुझे बताया था कि साथ में चलना है बाहर, क्या तुम जो मुझे कुछ कहना चाहती थी? जल्दी से मुझे बता दो, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ये फिर बताती कि हाँ मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। और ये फिर बताती कि आई थिंक मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और इससे ब्रदर टियान बोलते, बार बार मैं बोलता हूँ कॉमिक के अंदर कि चाइनीज में जो है, मतलब चाइनीज कॉमिक में ज्यादातर बॉयफ्रेंड को भी ब्रदर बोल देते, जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड है। ऐसे भी शोक हो जाता है। फिर बताते कि रुको जरा, तुम ऐसे तो नहीं बोल रही हो ना, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई थी। और ये फिर बताती कि मैं भी, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं प्यार करती हूँ तुम्हें। और ये लड़की बताती कि मेरी सिस्टर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और कुछ ही लोग उसके सामने जो है आ सकते हैं, क्योंकि हर कोई उससे डरता है, लेकिन फिर भी तुम जो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। मैंने सुना है कि तुम्हारी और मेरी सिस्टर की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा सिमिलर है। फिर एमसी बताते कि नहीं ये नहीं है कि मेरी पर्सनैलिटी सिमिलर है, बस तुम्हारी सिस्टर जो है बहुत ज्यादा ही जो है ओवर रिएक्ट कर देती है कुछ चीजों पर। और ये बता रही होती है कि हाँ मेरी सिस्टर जो बहुत ज्यादा अनोइंग है वो मुझे पता है, लेकिन वो जो शुरुआत में ऐसी नहीं थी, जब हमारे पेरेंट ने हमें छोड़ दिया था, हम जो है अकेले थे और हम पे बहुत ज्यादा लोन था, वो जो है मतलब इतनी ज्यादा छोटे पोजीशन से इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच आई। और इसी के साथ ये जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी थी, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये खुद को ही चोट पहुंचा देगी, तो इसलिए अच्छा रहेगा अगर कोई बंदा जो है उसे सबक सिखा दे कि भाई लाइफ इस तरह से नहीं जीते हैं। फिर हमसे बताते कि ये चीजें जो है मैंने तुम्हारी सिस्टर को सबक सिखाने के लिए नहीं किया था, बस मैंने उसे वार्न कर दिया था कि हर दफा जो है स्टेटस काम नहीं करता है और मैं जो खुद को प्रूव करना चाहता हूँ। फिर ये बताते कि सच में मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ। और ये फिर हमसे बताते कि हाँ याद आया, तुम्हारी ये नेक जो इस तरह से क्यों है, मैं बार बार सोच रही थी, क्या तुम्हारा सर जो कट चुका था वापिस से सर्जरी से जोड़ दिया गया था? फिर हमसे बताते कि एक्चुअली ये जो है एक तरह से स्कार भी है, टैटू भी है, दोनों बोल सकते हो, ये एक स्टोरी है। एमसी अपनी स्टोरी बता रहा था कि ये जब छोटा था इसकी जो मदर थी वो नहीं थी और इसका बाप इसकी धुलाई करता था, बहुत ज्यादा जो है मुश्किल से इसने लाइफ जी थी, तो इसलिए इसने ये टैटू बना दिया था ताकि ये याद रख सके कि लाइफ कितनी ज्यादा हार्ड थी। और ये फिर बताते कि सच में। और ये लड़की फिर बताते कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? फिर एमसी बताते कि क्या? और ये डायरेक्ट एमसी को किस कर लेती, फिर बताती कि क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? तुम्हें जो है अभी आंसर वैसे नहीं देना चाहिए, ये इसी तरह जाने लग जाती है। और वो लड़की फिर बताती कि चलो चलते, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद लूंगी खाने के लिए। फिर हमसे बताते कि क्या मतलब तुम्हारा कि मेरे पास पैसे नहीं कुछ खाने के लिए? अब वो हंस रही होती है, फिर बताती कि हाँ सच में
में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। फिर हमसे बताते कि ये डेट जो है बहुत ज्यादा ही अच्छा था, मतलब मेरी लाइफ में जो है बेस्ट मोमेंट था जो कि मैं हमेशा याद रखूंगा। और हमसे बताते लेकिन फिर भी मैंने जो है अपना मेन गोल जो है भूला नहीं हूं मैं, और हमसे को सारे पैसे जो है वो पेंटिंग से मिल जाते हैं। आइए फिर हमसे को बताते अगर तुम्हें कोई ऐसे पेंटिंग और मिलती है तो हमें याद रखना। हमसे बताते कि चलो वापस से उसी सिटी पे चलते हैं जहां से एमसी को निकाला था, क्योंकि एमसी दूसरी सिटी के अंदर था। और एमसी बताते हैं हमारे पास पैसा आ चुका है तो इसे जो है यूज करना पड़ेगा। और एमसी यहां पर जो है मोटर को भी एक बड़े होटल के अंदर लेकर आ चुका होता है, इसे बताता है कि जितना भी खाना है खा लो। और एमसी को बता रहे थे कि सच में तुमने जो इतने ज्यादा पैसे कमा लिए, मुझे इन्वाइट भी कर दिया यहां पर। और एमसी इसे बता देते कि कितने पैसे जो इसे मिले हैं। ये भी शौक हो जाता है कि सच में तुम्हारे दादाजी ने जो है एक पेंटिंग छोड़ दी थी और वो जो इतनी ज्यादा मिलियंस में बिकी है, तुम्हारे दादाजी वो करते क्या थे। फिर एमसी बताते कि मुझे क्या पता। और ये एमसी के पीछे हाजरा होता है कि मुझे लगा कि तुम जो हो बोल रहे थे कि तुम सब कुछ खुद करोगे, लेकिन फिर भी तुम जो दादाजी के पैसों के पीछे पड़े हुए हो, उसी से सब कुछ कर रहे हो। एमसी बताते कि हाँ इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। फिर एमसी बताते लेकिन फिर भी ये पैसे जो है एक तरह से टूल है जो कि मैं यूज कर सकता हूँ अपने गोल को हासिल करने के लिए। और मोटा फिर एमसी को बताते कि तुम्हें करना क्या है, क्या तुम्हारी ड्रीम है। और एमसी बता देते कि मुझे जो है एक जिम खोलना है मार्शल आर्ट्स वाला, जो कि वो उस दूसरे जिम से अच्छा होना चाहिए। लड़की के बारे में बताते हैं। आइए फिर बताते कि मुझे पता है कि तुम अभी भी उससे गुस्सा उस लड़की से, लेकिन तुम्हें जो है फजूल में ये पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए एक जिम खोलने के लिए। बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं एक जिम को खोलने के लिए। आइए फिर बताते हैं मोटा कि हाँ याद आया, तुम जो वो ताइची प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या यही रीजन है जिसकी वजह से तुम एक जिम खोल रहे हो ताकि तुम जो उसके खिलाफ कम्पीट भी कर पाओ। फिर हमसे बताते कि हाँ कॉन्टेस्ट आएगा और सारे जिम वाले एक दूसरे के सामने फाइट करेंगे तो ये अच्छा मौका रहेगा, और इसलिए मैं जिम खोलना चाहता हूँ ताकि इन बड़े टूर्नामेंट के अंदर मैं जा पाऊँ और ये जो एक्सपीरियंस है हासिल कर लूँ। और यहाँ पर मोटर चला जाता है। फिर एमसी को बता रहा था कि चलो मैं चलता हूँ, जितने भी इन्फॉर्मेशन है बिल्डिंग्स के बारे में मैं ढूंढ लूंगा एक जिम के लिए, और तुम्हें जो है खाने के पैसे देने पड़ेंगे वरना ये जो बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हो जाएगी अगर तुम जो पहले भाग जाओगे। फिर एमसी बताते कि भाई मोटे तेरे को लग क्या आ रहा है कि मैं तेरे को यहाँ पर छोड़ने वाला था। एमसी जो जगह ढूंढ रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगा होता है सिटी के अंदर जितने भी सेंटर होते हैं। अब मोटा भी बताते कि हाँ सच में अगर हमें जो एक साल के लिए जगह लेनी है तो उसकी भी पेमेंट जो है $1 million तक पहुंच जाती है। मतलब क्या हो रहा है, इतनी भी महंगी जगह कहीं पर भी नहीं होती जितना ये दे रहे हैं एक साल का, क्या चल रहा है। अब मोटा फिर बताते कि यहाँ तक और भी एक्सपेंसिव चीजें होती है जो कि लेनी हमारी बिजनेस के लिए, तो हमें और भी पैसे चाहिए होंगे सब कुछ करने के लिए। मुझे नहीं लगता जितने पैसे तुम्हें पेंटिंग को बेचकर मिले हैं वो काम आ सकते हैं, मतलब काफी होंगे। फिर हमसे बताते कि रिसेंटली मैंने जो एक नॉवल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, वहां से भी मुझे पैसे मिल रहे हैं लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं है। एमसी उस नोवेल का नाम भी बताते कि वो है। और मोटा फिर बताते कि सच में वो तुम हो, मैं उसका बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ, मुझे बताओ कि स्टोरी के एंड में क्या होता है। फिर एमसी बताते कि नहीं मैं तेरे को नहीं बताने वाला हूँ। और एमसी के पास जितने भी पैसे होते हैं वो ऑलमोस्ट खत्म होने को आ जाते हैं, मतलब जितने भी पैसे होते हैं वो इस जिम के प्रिपेरेशन के अंदर लग चुके थे। एमसी बताते कि मुझे अभी दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। और इसी के साथ 7 दिन जो गुजर चुके होते हैं। फिर एमसी बताते कि चलो 12 बजने वाले हैं, देखता हूँ कि कितने कॉइंस मिलते हैं। और एमसी को वापस से जो है 4 मिलियन मिल जाते हैं। फिर एमसी बताते कि अभी जो मुझे मार्शल आर्ट की चीजें नहीं ढूंढनी, अभी मुझे ऐसी चीज ढूंढनी है जिससे मैं पैसा कमा लूं, चलो देखता हूं, जैसे वो पेंटिंग थी उस टाइप की। फिर एमसी बताते हैं लेकिन फिर भी वो जो मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा, क्या पता मेरे अकाउंट का वो बग मिल जाए उनको, सब कुछ फिक्स हो जाएगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। एमसी बताते हैं कि चलो देखता हूँ कि कौन सी चीज जो है मुझे पैसे कमा सकती है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें होती है जैसे कि हैकिंग हो गई और ट्रेजर हंट हो गया, बहुत ज्यादा क्वांटम टेक हो गया, एक रेजर का होता है। फिर एमसी बताते हैं कि ये रेजर वाला औसम लग रहा है, चलो देखता हूँ। और जैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं सारे लोग भी बताते हैं कि इसने भी ज्वाइन कर लिया रूम को। ये फिर बताता है बंदा भी कि सच में ये लेजेंडरी जो है लोकन टायरेंट यहाँ पर आ चुका है। और ये फिर एमसी बता रहा था कि क्या तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड हो अगर तुम यहाँ पर आ चुके हो। फिर हमसे बताते फजूल में बकवास मत कर, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आ, इंट्रोड्यूस करा अपने प्रोडक्ट को कि ये क्या चीज है। और ये फिर बता देते कि ये रेजर जो है ऑटोमेटिकली सही से तुम्हारा फेस का कट कर देगा और ये हर एक बंदे पे डिफरेंटली काम करेगा। फिर बहुत ज्यादा बातें कर रहा होता है। फिर हमसे बताते कि सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये टेक्नोलॉजी मेरे वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट भी नहीं करती और इसको बनने में ऑलमोस्ट 30 साल से भी ज्यादा लगेंगे। फिर हमसे बताते कि चलो ठीक है मैं तुम्हें जो 1 मिलियन कॉइन दे देता हूँ, मुझे जो है इसकी जितने भी डिजाइन है वो सेंड कर दो। ये फिर बताते कि ठीक है मैं जो तुम्हें सेंड कर लेता हूँ, डिजाइन बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें सेंड कर देता हूँ। और एमसी को जो ये डिजाइन भी मिल जाता है। फिर एमसी बताते कि सही रहेगा, मैं जो इसे अच्छी प्राइस में सेल करूंगा। और एमसी फिर बता रहे होते कि यहाँ तक एक मैंने दूसरे ताइची मास्टर की भी लाइव स्ट्रीम देखी, उससे मैं जो काफी ज्यादा चीजें जो है सीख चुका था इनर स्ट्रेंथ के बारे में, और उसने मुझे ये सब कुछ सिखा दिया था, तो मैंने जो है इसे पूरे 3 मिलियन कॉइन्स ये दे दिए थे। और इस रात जो है एमसी को पूरे 3 ट्रेजर चेस्ट मिल जाते हैं। एमसी बताता है कि चलो फिर देखता हूँ इसे कि क्या मिलेगा मुझे। लेकिन एमसी को जो है पहले चेस्ट 10 मिलियन जो है वर्ल्ड कॉइन मिलते, दूसरे से भी 10 मिलियन मिलते हैं और फिर जो है तीसरे में तो कुछ भी नहीं मिलता। बता रहा था कि थैंक यू देखने के लिए, वापस अगली दफा आना। एमसी भी शौक हो जाता है। एमसी फिर बताता है कि साला चल क्या रहा है, और मुझे
इससे कुछ भी नहीं मिला, चलो छोड़ो भाई मैं जो सो जाता हूँ, वैसे भी मुझे ब्लू प्रिंट मिल चुका है वो काफी रहेगा। और एम्स फिर बताता है कि मुझे उस टाइम पता नहीं था कि वर्ल्ड कॉइन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनकी यूज जो होते हैं वो कुछ डिफरेंट थे जो मुझे पता नहीं थे उस टाइम, जो कि एक तरह से ट्रेजर होंगे मेरे लिए बाद में जब मुझे पता चलेगा कि ये कैसे यूज होते हैं। और यहाँ पर हमें मार्शल आर्ट हॉल दिखाया जाता है और इस लड़की को पता चल जाता है कि हाँ MC सच में जो जिम खोलने वाला है बहुत जल्दी। और ये लड़की जो इसकी असिस्टेंट है वो फिर बता रही होती कि हाँ यहाँ तक जो जिम वो खोलने वाला है वो छोटा सा जिम भी नहीं है, बहुत बड़ा खोलने वाला है। और वो जो है हमारे ही रोड के साइड पे खोल रहा है, लगता है कि वो जो कॉम्पिटिशन के लिए रेडी हो चुका है। और ये लड़की फिर बताती है कि मुझे पता नहीं कि इसको जो इतने ज्यादा पैसे कहाँ से मिल चुके हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि ये रिग्रेट करेगा जो ये मार्शल आर्ट हॉल खोलने वाला है बहुत जल्दी ही। और ये लड़की फिर बताती है कि मेरे से एक दूसरा इशू भी आ चुका है, OMC ने जिस मार्शल आर्ट की पहली धुलाई की थी वो जापानीज वाला नहीं था, वो जो है वापस से चला गया है जापान जब MC ने उसकी धुलाई कर दी थी। और वो अभी अपने मास्टर को लेकर आ रहा है यहाँ पर ताकि वो जो है हमारा ही जिम जो एक तरह से कब्जा कर ले उस पे, क्योंकि वो जो अभी चैलेंज करना चाहता है, अगर हम जो चैलेंज हार जाते हैं तो वो जो है फिर ले लेगा पूरे जिम को। और यहाँ तक MC के लिए भी वो अपने मास्टर लेकर आ रहे हैं ताकि फाइट हो पाए। और ये लड़की फिर बताती है कि ये जो बहुत ज्यादा शैम्पू है कि ये जो इस तरह से काम कर रहा है, अपने मास्टर को लेकर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इससे डरने नहीं वाली हूँ क्योंकि मैं जो हूँ चाइना की टॉप पर हूँ, मुझे जो इससे डरने नहीं चाहिए। और ये फिर बताती है अगर कुछ भी नहीं है तो तुम वापस से काम पे चली जाओ, वो फिर बताती है कि ठीक है। और ये लड़की अभी भी सोच रही होती है वो जो मास्टर अपना लेकर आ रहा है कि वो लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा उसने लिया था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे भी प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए, मतलब ये फाइट नहीं करेगी लेकिन अपने फाइटर्स के बारे में बता रही है। और यहाँ पर हमें जो है दिखाया जाता है कि MC ने सुबह सुबह मोटे को बुला लिया होता है एक वेयर हाउस पर, और ये फिर बताता है कि ये वेयर हाउस क्या करना चाह रहे हो यहाँ पर। MC फिर बताता है कि मैं जो यहाँ पर ओपन करना चाहता हूँ ऑक्शन हाउस को, क्योंकि मुझे कुछ चीजें सेल करनी है, वैसे एक ही चीज तो सेल करनी है जो कि इसके साथ है वो रेजर। और मोटा फिर बताता है कि यहाँ पर ऑक्शन हाउस ये बहुत ज्यादा अच्छा जो है लग भी नहीं रहा है, मतलब वेयर हाउस बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। फिर MC बताता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, जितने भी पैसे थे उससे मैंने एक तरह से इसे जो है बुक कर दिया है कुछ टाइम के लिए। MC फिर बताते हैं कि यहाँ तक मुझे जो चीज मिल चुकी है वो बहुत ज्यादा ही काम की है, और रेजर के बारे में बात कर रहा था, और बहुत ज्यादा कंपनीज के ऑलरेडी कॉल्स आ रही है उसको खरीदने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आने वाली है इसको अटेंड करने के लिए, लेकिन इस वेयर हाउस के अंदर बहुत ज्यादा स्मेल भी होती है और ये बहुत ज्यादा हॉन्टेड टाइप का लग रहा होता है। फिर MC बताता है कि छोड़ो हमें वैसे भी जो ऑक्शन हाउस करना है जो कि अच्छा रहेगा। अचानक से यहाँ पर आ जाता है, फिर बताते हैं कि तुम लोग हो कौन, MC वाले भी डर जाते हैं। मोटा भी बता रहा था कि देखो मैंने तेरे को बोला था यहाँ पर भूत है। और ये आ जाते फिर बता रहा होता है तुम लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि कोई जो है वेयर हाउस को बुक करना चाहता है, तुम लोग कर रहे हो क्या, चल रहे हो यहाँ पर, तुम लोग जो इसे रेंट क्यों कर रहे हो इस जगह को, अगर तुम यहाँ पर कुछ करने आ चुके हो मतलब भाई फाइट वाइट करना जो भी करना है तो भाई तुम रिग्रेट करोगे। MC फिर बताता है कि अगर लगता है तुमने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, हम जो बहुत सारी अच्छे लोग हैं, बस मुझे जो है तुम्हारा वेयर हाउस चाहिए वेन्यू के लिए ताकि ऑक्शन कर सकूं कुछ चीजें। फिर MC बताता है कि हाँ मुझे याद आया, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था जो कि ओल्ड रेड आर्मी से था। MC भाई पूरा ही चीजें सुना देता है इस आर्मी के बारे में कि कौन हो तुम, भी बहुत ज्यादा काम करते थे, भाई सारी बकचोदियां कर रहा होता है। और भाई दादाजी खुश हो जाते हैं कि सच में तुम्हें इतनी ज्यादा चीजें याद है, तो क्यों ना मैं तुम्हें ये वेयर हाउस जो है मतलब 100 युआन का दे देता हूँ, मतलब एक दिन के लिए लगता है, ना के मतलब खरीदने का बोल रहा है। फिर MC बताता है कि थैंक यू वेरी मच मास्टर ये सब कुछ करने के लिए। MC फिर बताता है कि चलो जल्दी करो मोटे, ये जगह जो है हमें साफ करनी है। मोटे बताते हैं कि हाँ हाँ बस हो गया, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, चलो साफ करते हैं। और मोटे को भी गुस्सा आ चुका था कि चलो तू मेरे को यहाँ पर लेकर आ चुका है सफाई के लिए। दादाजी भी एक्साइटेड हो जाता है, फिर बताते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा, मैं भी ऐसे नहीं बैठ सकता हूँ। और दादाजी बता रहे थे मुझे याद है जब मैं आर्मी के अंदर था तो भाई सब लोग मुझसे हारते थे। मोटा रोक रहा था कि नहीं नहीं अंकल नहीं, रुक जा भाई, तू मारा जाएगा इसी टाइम अगर सफाई ज्यादा हो गई। वैसे के साथ रात जो है वो हो जाती है। फिर MC बताते हैं सारा दिन हम साफ कर रहे थे उस जगह को, कल जो और लोग आएंगे जो कि डिजाइन करेंगे उस वेयर हाउस को, और लगता है कि वो आइटम जो है सेल हो जाएगा। फिर MC बताते हैं 12 बजे चलो कुछ लाइव स्ट्रीम देख लेता हूँ। अचानक से MC को मैसेज आ चुका होता है, और MC जैसे उठ जाते हैं शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सिस्टम की तरफ से मैसेज आ चुका होता है कि तुम्हारा अकाउंट जो है वो एबनॉर्मल अकाउंट था, हमारा जो रूल्स और रेगुलेशन है और टर्म एंड सर्विस है उसके खिलाफ था, और तुम्हारे अकाउंट के अंदर कुछ ज्यादा कॉइंस थे जो कि होने नहीं चाहिए थे। फिर MC भी शोक हो जाता है कि क्या अकाउंट जो फिक्स हो चुका है, लेकिन सिस्टम फिर भी MC का अकाउंट एक तरह से डिलीट नहीं करता है। फिर बताते हैं कि ठीक है तुम्हारा अकाउंट हमने रख दिया है और तुम्हारा अकाउंट जो है सिस्टम के टर्म एंड कंडीशन से ही रहेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें जो पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन हर हफ्ते तुम्हें पैसे मिलेंगे वो भी लिमिटेड होंगे, और तुम्हारे पैसे डबल नहीं होंगे, मतलब हर दूसरे हफ्ते जो है डबल होंगे।
होंगे। एक हफ्ता मतलब तुम्हें दो हफ्ते वेट करना पड़ेगा पैसों को डबल होने में। हाँ, हर हफ्ते तुम्हें पैसे मिल सकते हैं लेकिन डबल नहीं होंगे, वो उसके दूसरे हफ्ते डबल हो जाएंगे। आई एम सो खुश हो जाता है कि फाइनली चलो ये भले फिक्स हो चुका है, मैं दो हफ्ते वेट कर सकता हूँ। और वैसे भी ये सिस्टम जो है मेरा बग एक तरह से रक रहा है, तो ये सही चीज है, मुझे जो चिंता नहीं करनी चाहिए आज के बाद से। और इसी के साथ अगले दिन वापस से जो एमसी इसको लेकर आ जाता है, फिर मोटा बता रहे थे कि अच्छे मूड के अंदर लग रहा है। फिर एमसी बताते हैं हाँ ऑलमोस्ट हम जो है डन हो चुके हैं, चलो आखिरी जो है सफाई करते हैं और फिर जो है एग्जिबिट स्टार्ट कर देते हैं। और मोटा भी बता रहे थे कि साला तू जो है मेरे को पैसे देगा इतना ज्यादा काम करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट एमसी शॉक हो जाता है क्योंकि ये जगह साफ होती है। फिर एमसी बताते हैं कि इसको किसने साफ किया, और दादाजी फिर बता रहे थे कि कैसा रहा ये एग्जिबिट है, तो यहाँ पर जो है स्टूल्स वगैरह भी होने चाहिए। मैंने जो है कुछ अपने पुराने दोस्तों को बुला लिए जिन्होंने जो है ये जगह साफ कर दी है, क्या तुम सेटिस्फाई हो? फिर एमसी बताते हैं कि थैंक यू वेरी मच हेल्प करने के लिए, और क्यों ना तुम जो ये गिफ्ट ले लो, मतलब पैसे दे रहा होता। लेकिन वो बताते कि नहीं, मैं जो पैसे तुमसे नहीं लूंगा, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। मोटा भी बता रहे थे कि थैंक यू वेरी मच, अब मैं भी जो एक रिटायर्ड ओल्ड स्क्वाड लीडर हूँ। वो फिर बताते कि अच्छा तुम कौन सी कंपनी के हो? ये जो ऐसे ही बता लेते मैं कि क्लास 178 से हूँ। और दादाजी जो इससे लग जाते कि साला तू मेरे साथ गेम खेलेगा, वो भी भाग रहा होता है। फिर उससे बताते कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि मैंने जो टाइमिंग अभी के लिए रखी थी कि ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया है। और ये लड़की आ जाती फिर बताते कि सॉरी तुम जो इतना ज्यादा वेट कर रहे हो, मैं खुद यहाँ पर आ चुकी हूँ। फिर उससे बताते कि हेलो प्रेसिडेंट, और खुद को जो इंट्रोड्यूस कराता है। फिर बताते कि थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। और ये लड़की भी बताती कि हाँ तुम बहुत ज्यादा यंग हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और ये फिर बताती कि बाहर जो रोड पे जो है कुछ लोग आ चुके हैं जो कि किसी भी कंपनी वाले को जो है अंदर आने नहीं दे रहे, जो कि पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तुम्हें बताने के लिए। और मोटा भी बताते कि हाँ ये जो कोई जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की तो नहीं कर रही है? फिर एमसी बताते कि नहीं वो लड़की नहीं कर सकती, वो जिम वाली लड़की के बारे में बोल रहा है, अगर वो ये सब कुछ करती तो वो खुद भी यहाँ पर आ जाती। और ये लड़की भी बताती कि तुम वो मार्शल आर्ट बॉस के बारे में बोल रहे हो, वो जो है इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होगी टेक्नोलॉजी के अंदर। अचानक से यहाँ पर जो है कोई बंदा आ जाता है। फिर एमसी बताते कि ये कौन आ चुका है? और यहाँ पर ये बंदा बता रहे होते कि ये हमारे सिटी का मेयर है जो कि यहाँ पर आ चुका है इस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए। ये भी हंस रहा होता है, सब लोगों को बता रहा होता है कि कौन जो इंचार्ज है। फिर एमसी बताता है कि मेयर ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है जो कि मैंने टीवी के अंदर देखा था। फिर मोटा बताता है कि ये मेयर नहीं है, ये जो है डिप्यूटी है। और मेयर फिर बता रहा होता है कि यहाँ पर एसी वगैरह नहीं लगाए। फिर एमसी जो है खुद को इंट्रोड्यूस करता है, बताता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। और ये फिर बताते कि अच्छा मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन ये अभी भी हाथ नहीं मिला था एमसी से। और फिर बताते कि मैंने सुना है कि तुमने डिजाइन किया है वो जीरो ब्रेजर टेक्नोलॉजी को, तुम अभी उसे बेच रहे हो? फिर एमसी बताते कि हाँ मैं बेच रहा हूँ। और फिर बताते कि चलो मैं तुम्हें ऑफर दे देना चाहता हूँ, क्यों ना मैं जो तुम्हारी ये टेक्नोलॉजी जो है 1 मिलियन पे खरीद लेता हूँ। वो दूसरा जो इसका क्या बोलते हैं उसे टट्टा होता है, वो भी बता रहे होते कि हाँ 1 मिलियन बहुत ज्यादा अच्छा है, ये इतना ज्यादा पैसे तुम्हें दे रहा है। फिर एमसी बताते कि 1 मिलियन, वो लड़की भी हंस रही होती कि क्या जोक है 1 मिलियन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी कितने ज्यादा इम्पैक्ट लेकर आ सकती है? तुम जो 1 मिलियन बोल रहे हो तुम जोक कर रहे हो, और साथ में तुम्हारे ही लोग थे ना जो कि और लोगों को रोक रहे हैं यहाँ पर आने के लिए। और ये जो है फिर एमसी बताता है कि इस लड़की का जो है सेक्रेटरी है जो भी है तुम्हारी, इसका जो है कोई भी सेंस नहीं है, क्या बात है ये कर रही है। और फिर एमसी बताते कि प्लीज और लोगों को जाने दो जितने भी लोग हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है फेयरली सेल हो जाए, जो कंपनी ज्यादा पैसे लगाएगी वही जो है लेगी इसे। वो लड़की भी बताती है कि हाँ हमें जो कम्पीट करना चाहिए मार्केट के रूल्स के अंदर। और ये फिर बता रहे थे कि क्या तुम जो गवर्नमेंट को नीचे देख रहे हो, हम तुम्हें इसलिए खरीद रहे हैं, हम तुम पे फेवर कर रहे हैं, बाहर के वर्ल्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और इसका टट्टा भी बता रहे थे कि हाँ ये सही बता रहा है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो फेयर की फीलिंग्स को, वो जो है चाहता है ये चीज को चाहना। फिर हमसे बताते कि थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, लेकिन भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, और लोग यहाँ पर आएंगे पार्टिसिपेट करेंगे और जो ऑक्शन में जीतेगा उसी को मिलेगा। और ये फिर बताते कि क्या बोले तुम्हारा इतने ज्यादा मेरे पास क्यों आ चुके हो, क्या तुम्हारे पास नाइफ है, तुम मुझे मारना चाह रहे हो? अपने बॉडी गार्ड यहाँ पर लेकर आ जाते कि जल्दी करो गार्ड करो मेयर को। और ये फिर बता रहे होते कि जल्दी करो इस लड़के को पकड़ लो मेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो एमसी को पकड़ लेते, फिर एमसी बताते कि क्या करो मुझे जाने दो। और ये फिर बता रहे होते कि जल्दी करो इस लड़के को पकड़ लो, ये कुछ जो है मेयर को करना दे। और इसका टट्टा फिर बता रहे होते हाँ इसे जो टाइट पकड़ो। और ये फिर बता रहे होते कि इसके फोन से जितना भी डिजाइन है वो ले लो, हम एक तरह से प्रोटेक्ट करेंगे इसकी टेक्नोलॉजी को और लोगों से, और ये टेक्नोलॉजी जो हमारी सिटी की काम आएगी, हम जो एक तरह से इसकी टेक्नोलॉजी को जब्त कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, जो भी बोलो तुम। और ये मेयर भी जाने लग जाता है, फिर बताते कि आई एम सॉरी लेकिन अब मैं ये नहीं खरीदने वाला हूँ, समझो कि ये अपना पावर यूज कर रहे हैं। और ये फिर एमसी के पॉकेट देख रहे थे कि किधर गया फोन निकालो। फिर एमसी बताते कि तुम बहुत ज्यादा इडियट हो, और डायरेक्ट इन्हें जो है मार देता है। और सारे फिर बता रहे थे अच्छा ये कुंग फू यूज कर रहे हैं, मैं बिलीव नहीं कर सकता
लगते ही नजारा अच्छा है। मोटा भी हंसता है कि इनकी हिम्मत कैसी हुई फंड करने की बॉस को। और ये ग्रुप के लोग जो कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही खुद को जो है मारने का सोच रहे। और फिर एमसी बता रहा होता है कि साला तुम लोग जो मुझे लूटने का ट्राई कर रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो कि भाई तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो लोगों को और तुम ये टेक्नोलॉजी जो है सिटी के लिए ले रहे हो। और फिर एमसी मेयर को बताता है कि मुझे पता नहीं कि तेरे को क्या हो जाएगा, पहली फुर्सत में यहाँ से निकल। और ये फिर बता रहे होते कि मेरे पास मत आओ, किधर के और लोग जल्दी करो, जितने भी रोड है उसे क्लोज कर दो और इसे पकड़ो। और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, मतलब सब कुछ जो है तैयार थे। और ये फिर बता रहे होते कि क्या हो रहा है, फाइट क्यों हो रहा है, मुझे अभी जो है रिपोर्ट मिली है तो इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और फिर मोटा बता रहे होते कि हम जो अच्छे लोग है, ये डिप्यूटी मेयर जो है आ चुका है हमें बुली करने के लिए, अपने पावर को यूज कर रहा है। हंस रहा होता है इन पर। और ये फिर बताते कि मैंने देखा था कि तुम जो इसे मार रहे थे और तुमने इसके बॉडीगार्ड को भी मारा था। फिर हम इसे बताते तो हमें क्या करना चाहिए जब ये कांड कर रहे थे सारे। और ये दादाजी आ जाते फिर बता रहे थे कि मेयर तुम जो हो पब्लिक सर्वेंट हो, तुम अपने पावर जो यूज कर रहे हो लोगों के खिलाफ। और मेयर जो है फिर दादाजी को बता रहे थे कि अपना मुंह बंद रख, तू है कौन, यहाँ से निकल। और ये पुलिस वाले फिर एमसी के बारे में बता रहे थे कि जल्दी करो, इन दोनों को पकड़ो, जाने मत देना इनको। और डायरेक्ट कोई बंदा आ जाता फिर बताते कि अपनी गन जो है नीचे रखो। और फिर बता रहे थे कि मैं मीटिंग के अंदर था जब मैंने सुना था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है और मैंने सुना था कि यहाँ पर थग्स भी आ चुके हैं। और फिर बता रहे थे कि डायरेक्टर क्या हो चुका है। ये फिर बताते कि हम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं सर, कि सर थैंक यू तुम्हारा इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए। और मेयर भी बता रहे थे कि अच्छा हुआ मेयर चेंज जो है यहाँ पर खुद आ चुका है। अच्छा ये जो है वो था ना डिप्यूटी था जो भी था, आई डोंट नो। और ये फिर बता रहे थे कि मैं तुम्हें रिपोर्ट करने वाला था बाद में। और मोटा भी बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर होता है कि इसे देखो। फिर एमसी बताते कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें जो इस सिटी के अंदर रहना पड़ेगा तो हम इसे गुस्सा भी नहीं दिला सकते हैं, तो हमें जो है इसको छोड़ना पड़ेगा, ये ड्राइंग जो भी है मतलब ये डिजाइन, वो हमें कुछ और देखना पड़ेगा। लेकिन दादाजी आ जाते फिर एमसी को बताते कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुमने क्लियरली कुछ भी नहीं किया है तो कोई भी जो है तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये बंदर डायरेक्ट जो है उस दादाजी को देख लेते हैं। और फिर आ जाते हैं फिर बताते कि और स्क्वाड लीडर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये शायद से इसका पुराना स्क्वाड लीडर रह चुका होगा, ये भी शोक हो जाते कि स्क्वाड लीडर। और ये फिर दादाजी को बताते कि तुमने मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा था जब मैं जो हूँ छोटा था, और तुम जो हमारे पुराने स्क्वाड लीडर हो मुझे याद है तुम। और ये भी बता रहा था कि सच में तुमने अपना नाम जो है बना लिया, काफी ज्यादा रैंक पर आगे जा चुके हो, लेकिन तुम्हारी टीम अभी भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और जितनी इनकी कन्वर्सेशन चल रही थी भाई, मेयर की जो है पट रही थी कि क्या होने वाला है, और पुलिस की भी। दादाजी फिर इसको सबको समझा लेता, ये भी समझ जाता। फिर बताते कि मैं समझ चुका हूँ, हम जो है वेलकम करते हैं नए टैलेंट को इस सिटी के अंदर। आज का मैटर जो हमारा प्रॉब्लम रहेगा, हम जो है सब कुछ कर लेंगे, और मैं भी अपोलोजाइज करता हूँ साथ में जो है वो मेयर और डायरेक्टर दोनों जो अपोलोजाइज भी कर लेते हैं। और ये फिर एमसी के बारे में सोच रहा होता कि रुको जरा, अगली दफा मैं जरूर जो है बहुत बड़ा हिस्सा तुमसे मारूंगा। और एमसी भी शोक हो जाता कि सच में तुम इतने ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे पता नहीं था कि तुम जो स्क्वाड लीडर हो। और इसी के साथ ऑक्शन जो है फिर स्टार्ट हो चुका था और सारी कंपनीज चुकी थी। और एमसी ने सब लोगों को जो ये टेक्नोलॉजी दिखा दी थी कि क्या क्या केस है, क्या करना है। और उसके बाद जो बिडिंग स्टार्ट हो गई थी, 1 मिलियन से फिर 2 मिलियन, इसी तरह चलता रहा। लेकिन बाद में ये लड़की जो है इस मतलब ऑक्शन को जीत चुकी थी। और एमसी के पास इतने ज्यादा पैसे थे कि ये अभी जिम बना सकता है। और ये लड़की भी बता दी कि थैंक यू हमारे साथ काम करने के लिए। लेकिन इस लड़की ने फिर भी एमसी को इन्वाइट कर लिया था खाने के लिए, पहले पार्टी करेगा होटल पे आ जाओ। और यहाँ पर फिर ये एमसी को बता रही होती कि थैंक यू हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस चीज के लिए। फिर एमसी बताते कि बस थैंक यू मिस, ये चुनने खरीद लिया। फिर एमसी बताते कि हमने कुछ ग्लासेस वाइन पिए और हम जो है थोड़े से ड्रंक हो चुके थे। फिर ये एमसी बताते कि ये लड़की मुझ में इंटरेस्टेड लग रही थी। और ये एमसी को बता रही होती कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सारे क्यूरियस हूँ, मतलब तुम जो हो आज आमने सामने आ चुके थे पुलिस ऑफिसर्स के जिनके पास गने थी, साथ में हमने तुम्हें इतने ज्यादा पैसे दिए, लेकिन तुम कुछ डरे हुए नहीं लग रहे थे, शौक नहीं लग रहे थे, बिल्कुल शांत लग रहे थे, लेकिन तुम्हारे एज तुम बहुत ज्यादा यंग हो तो तुम बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो। एमसी बताते कि नहीं नहीं मैं सरप्राइज था, मुझे डर भी काफी ज्यादा लग चुका था। अमोटा भी एमसी को तंग करने के लिए बोल रहा था कि हाँ मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम्हें इतने ज्यादा पैसे मिल चुके थे, मुझे लगा कि तुम जो बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, तुम जप्पे मार रहे होगे, कपड़े निकाल के नंगे घूम रहे होगे। एमसी बताते कि मोटे बंद कर दे अपना मुंह, क्या बातें कर रहा है तू। फिर एमसी बताते हैं लेकिन हाँ तुम लोग सही बता रहे हो कि आज मैं बहुत ज्यादा शांत लग रहा हूँ, पता नहीं क्या हो चुका है, मुझे लगता है मैं वो टेक्निक जो यूज कर रहा था उसकी वजह से ऐसा मेरी बॉडी के साथ हो रहा है, और मेरी बॉडी भी आज बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील कर रही है। एमसी फिर बताते कि सॉरी मैं जो हूँ यहाँ से जा रहा हूँ। मोटे भी बताते कि क्या हो चुका है, खाना खा लो। एमसी बताते कि नहीं पता नहीं मेरे को कुछ हो रहा है। एमसी यही पर ही गिर के बेहोश हो जाता है। और ये एमसी को उठाने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन ये बताते लगते कि इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। और इसी के साथ रात जो है हो जाती है।
आयन से यहाँ पर अपने आंखें खोलते कि मैं उठ चुका हूँ मैं, और इधर उधर देख रहा होता है कि भाई मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और क्या हो चुका है, मेरे कपड़े किधर गए। फिर एम्स बताता है कि इस सूट से स्मेल जो है मिस का आ रहा है, क्या हो चुका है ये। अचानक से बाथरूम से साउंड आ रहा होता है, फिर एम्स बताता है कि रुको जरा क्या चल रहा है। वो जो है डायरेक्ट आ जाती है, एम्स भी शौक होता है, लेकिन ये जो है मोटा आ चुका होता है। फिर बता रहा था कि साला मैंने जो है तुम्हें यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, पता नहीं थोड़ी सी पी ली थी और तू बेहोश हो गया। एम्स बताता है कि अच्छा तू था भाई, तेरे पैर जो है बहुत सारे ही लड़कियों वाले लग रहे थे। एम्स फिर बताते हैं लेकिन फिर भी ये एक्सीडेंट जिससे मैं बेहोश हो चुका था, मुझे अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए और चलो देखता हूँ लाइव में क्या चल रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि एमसी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं होती, इसलिए एमसी बेहोश हो चुका था। एमसी दूसरे भी मार्शल आर्टिस्ट की लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेता है, जो कि बता रहा था कि मैंने बहुत ज्यादा मास्टर हरा दिया है। यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि एमसी ने ज्वाइन कर लिया स्ट्रीम को, और फिर एमसी बताते हैं कि इसने मुझे बहुत ज्यादा जो है टेक्निक सिखा दिए थे जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था, और मैं जो खरीदने का कर रहा था और मैंने जो इसे पूरे 8 लाख कॉइंस दे दिए थे और ये भी खुश था। और ये एमसी को अपनी टेक्निक बुक भी दे देता है जो कि एमसी ले लेता है। फिर एमसी बताता है लेकिन फिर भी लेकिन इन 4 बॉक्स से एमसी को जो है वर्ल्ड कॉइन्स मिल रहे होते हैं, और ये वर्ल्ड कॉइन वो वाले नहीं होते जो कि एमसी डोनेट करता है, ये दूसरे वाले वर्ल्ड कॉइन होते हैं। फिर एमसी बताता है कि ये सिस्टम मेरे साथ करके आ रहा है, बोटा भी बता रहा होता है भाई मेरे को सोने दे। एमसी चला जाता है, यहाँ पर एक दूसरा अपडेट आ चुका होता है जहाँ से ये जो है इन कॉइन्स को निकाल भी सकता है, जो कि अभी वो वर्ल्ड कॉइन्स मिले थे वो वाले, ना कि डोनेट वाले। फिर एमसी बताते हैं क्या ये जो है मेरे बैंक अकाउंट में जा सकते हैं, लेकिन वो कॉइन्स ये डायरेक्ट यहीं पर ही निकल के आ जाते हैं बाहर। फिर एमसी बताते हैं कि क्या ये जो है गोल्ड कॉइन्स है, क्या सीन चल रहा है। इसी के साथ अगले दिन वापस एमसी जो है अपने स्ट्रेंथ को चेक कर रहा होता है और खुद को पावरफुल कर रहा होता है। अचानक से इसकी जेब से जो ग्लो निकल रहा होता है, एमसी बताते हैं कि ये क्या है, और बाद में पता चल जाता है कि ये कॉइन्स जो है एक तरह से डिसअपीयर हो जाते हैं और इसकी एनर्जी एमसी के अंदर घुस रही होती है, जिससे एमसी काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है पहले से। अचानक से कॉल आ जाती है, एमसी भी शॉक हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है, कौन कॉल कर रहा है। और ये एमसी की गर्लफ्रेंड होती है जिसने इसे कॉल कर दी होती है। एमसी बताते हैं कि क्या तुम सिटी के अंदर हो, और ये फिर बताते हैं कि स्कूल में कुछ भी नहीं हो रहा है इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहती थी, और तुमने क्या बड़ी न्यूज सुनी है। और ये बताती कि जहां तक मुझे पता चला है तो जो मार्शल आर्टिस्ट था जो जापान गया था अपने मास्टर को लाने के लिए, वो बहुत जल्दी आ रहा है, उसने चैलेंज दिया कि वो जो रिवेंज लेगा मेरे सिस्टर पर। और ये लड़की भी इसको बातें सुना रही होती कि जल्दी करो रेडी हो जाओ, वो जो आने वाला है तुम लोग उससे फाइट करोगे। फिर एमसी बताते हैं हाँ याद आया, उसकी मैंने धुलाई की थी, और तुम मुझे ये क्यों बता रही हो, मैं जो तुम्हारी सिस्टर की हेल्प नहीं करने वाला हूँ। और ये फिर बताती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम उसकी हेल्प नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम जो अपना जिम खोल रहे हो, मैंने जहाँ तक सुना था कि भाई तुम्हें प्रमोशन करनी है, तो ये बेस्ट रहेगा अगर तुम उससे फाइट कर लोगे तो तुम्हारी फ्री में प्रमोशन हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज वाले भी वहाँ पर आएंगे। एमसी बताते हैं तुम्हारा ये गुड आइडिया, चलो फिर मैं आता हूँ। एमसी मोटे को भी उठा देते हैं, जल्दी कर उठ जा, तेरे लिए पैनकेक लेकर आया हूँ। और इसी के साथ हमें मार्शल आर्ट हॉल दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा लोग न्यूज मीडिया भी आ चुके होते हैं ये फाइट देखने के लिए। और यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर भी बता रहे थे कि मास्टर तुम यहाँ पर क्यों आ चुके हो, क्या कांड है ये। फिर बताते क्या तुम हो मिस, और ये लड़की जो इसे बातें सुना रही होती है कि मैंने तुम्हें निकाल दिया था, तुम यहाँ पर क्यों आ चुके हो। ये फिर बताता भी है कि मैंने तेरे को बोला था कि तुम मुझे भले निकाल दो, मैं जो तुम्हारा ये मार्शल आर्ट हॉल जो है लेकर रहूंगा। और ये फिर बताते कि मैं अपने मास्टर को लेकर आ चुका हूँ तुमसे फाइट करने के लिए। और ये लड़की फिर बताती कि मास्टर हमें लगता है कि हम दोनों का कोई भी फाइट वगैरह नहीं चल रही है, अगर तुम जो यहाँ पर आ रहे हो मार्शल आर्ट एक्सचेंज के लिए तो तुम वेलकम हो, मतलब यहाँ पर काम वगैरह करने के लिए। और ये फिर बताते कि हाँ हम दोनों जो एनिमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने जो मेरे स्टूडेंट को जो है मारा था और साथ में जो निकाल दिया था, ये जो इंसल्ट है मेरे लिए। और ये फिर बताते कि मैं बिजनेसमैन हूँ और जहाँ तक मुझे पता है ये तुम्हारा जो है प्रॉफिट का इशू है कि तुम लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, ना कि इंसल्ट का है। और क्यों ना मास्टर मेरे साथ बैठ कर बात कर ले, हम जो है ये चीज खत्म कर लेंगे। और ये भी बताते कि हाँ क्यों नहीं, चलो हम जो एक अकेली जगह पे चले जाते हैं दोनों ही, तो वैसे भी ब्यूटीफुल हम बात कर लेंगे, समझ रहे हो क्या बात चल रही है। और ये आ जाते फिर बताते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे मिस को जो है इंसल्ट करने की। और ये इसे पकड़ लेते हैं, फिर बताते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब कुछ करने की। और ये इसे रख के जो फेंक देता है। और ये फिर बताते कि मैं जो आज सब लोगों को चैलेंज करने वाला हूँ, जितने भी मार्शल आर्टिस्ट है आओ मेरे से फाइट करो, लेकिन अगर मैं जीता तो ये पूरा हॉल जो है वो बंद होगा। और बोटा भी खुश होता है इस लड़की के बारे में, अच्छे वो इसकी धुलाई करो, इसका पूरा ये जगह जो है बंद कर दो, अभी इसको सही बंदे मिले जो कि इससे रिवेंज ले सकते हैं। फिर एमसी बताते हैं लेकिन फिर भी ये मास्टर जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है इसके बारे में। अमोटा भी बताते हैं कि क्या तुम हेल्प कर रहे हो इसको जो है हेल्प करने की इस लड़की की। फिर एमसी बताते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमने अभी तक इस लड़की से भी रिवेंज नहीं लिया है। और बस यहीं पर एपिसोड भी एंड कर लेते हैं, थैंक यू वीडियो यहां तक देखने के लिए। इसका भी दूसरा पार्ट आ जाएगा, उसके बाद इसका एंड हो जाएगा। इसका 20 चैप्टर ऑलमोस्ट अवेलेबल है, तो मैंने अभी 19 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। इसका नाम मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे खुद याद नहीं है। 1000 लाइव ब्रॉडकास्ट बिग लोकल टायरेंट, मैं मतलब तस्वीर भी लगा दूंगा, टेक्स्ट भी लगा दूंगा, तुम लोग सर्च कर सकते हो वैसे देखने के लिए। तो बस ये एपिसोड भी एंड कर लेते हैं और वीडियो भी एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।